मॉर्निंग एवरी वन थिंकर पढ़ने जा रहे हैं ये वे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत समय तक समाज के बारे में अध्ययन किया है समाज के बारे में समझा है जाना है विचार दिया है किताबें लिखी है इनके किताबों को हम पढ़ते हैं इनके थ्योरी को हम पढ़ते हैं इनके विचारों को हम जानते हैं तो समाज के बारे में हमारी समझ और बेहतर होती है थोड़ा सा हम लोग जो मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है मार्क्स का उत्पादन प्रणाली के बारे में जो विचार है मार्क्स का जो अलगाव की संकल्पना है मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है इसमें बहुत सारी शब्दावलियों को मार्क्स ने यूज किया है हम आगे पढ़ेंगे तो हम मार्क्स के ओवरऑल विचारों को पढ़ेंगे अलगाव के बारे में मार्क्स क्या कहता है उसमें प्रयुक्त की गई शब्दावलियों का अर्थ वहां नहीं पढ़ेंगे दिक्कत होगी तो मार्क्स ने अपने विचारों में जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है पारिभाषिक शब्दावली कर देना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है आकार की मात्रा रहेगा, ठीक मार्क्स ने अपने विचारों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया या मार्क्स के चश्मे से अगेन आई रिपीट मार्क्स के चश्मे से जो बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी घटनाएं हैं मार्क्स के चश्मे से उनका अर्थ क्या है उनकी परिभाषा क्या है यहां हमने दिखाने का प्रयास किया और ध्यान देना ये सारी की सारी परिभाषाएं हम सामान्य परिभाषा के रूप में नहीं लिख रहे हैं बच्चा ये सारी की सारी परिभाषाएं मार्क्स के चश्मे से लिख रहे हैं मार्क्स के नजरिए से लिख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है मनुष्य का मतलब हुआ कि मनुष्य के बारे में मार्क्स का क्या कथन है मनुष्य को मार्क्स किस रूप में देखता है समाज को मार्क्स किस रूप में देखता है ये हमें जानना होगा तो ये परिभाषिक शब्दावली हर थिंकर में हम थोड़ा समय देंगे मैंने कहा था कि थिंकर को थोड़ा सहज करने के लिए और थिंकर के स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है तो मनुष्य के बारे में मार्क्स क्या सोचता है सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में विद्वानों में अरस्तु और प्लेटो के काल से एक डिबेट चला है समाज के बारे में चिंतन करने वाले विद्वानों के बीच में कि मनुष्य ने समाज को बनाया है मनुष्य समाज का निर्माता है समाज मनुष्य का उत्पाद है तो दूसरी धारा है कि नहीं समाज मनुष्य को बनाता है समाज मनुष्य का उत्पादक है निर्माता है मनुष्य समाज का उत्पाद है पहली धारा मनुष्य को समाज का उत्पादक इसलिए मानती है वो मान के चलती है कि धरती पर सभी जानवर आए सभी जानवरों के पास समाज नहीं आया केवल मनुष्य के पास समाज आया वो इसलिए आया क्योंकि मनुष्य के पास माइंड नाम की चीज है मनुष्य सोचता है विचारता है तब करता है उसने सोचा विचारा और किया जो किया वही समाज है वहीं से समाज बना ष्ट समाज मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति है अगर आप कहोगे तो हिगल पहली धारा के विद्वान थे आपके अन्य थिंकर में वेबर पहली धारा के विद्वान है ध्यान रहे हिगल ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति पहली धारा मनुष्य के बारे में अलग रूप में परिभाषित करती है पहली धारा मनुष्य के विचारों को महत्व प्रदान करते हुए मनुष्य की सृजनशीलता की क्षमता को महत्व प्रदान करते हुए मनुष्य के चिंतन की क्षमता को महत्व प्रदान करते हुए मनुष्य के तर्क की क्षमता को महत्व प्रदान करते हुए मनुष्य को डिफाइन करती है जबकि दूसरी धारा समाज को मनुष्य से ऊपर मांग सुपर ऑर्गेनिक सुपर इंडिविजुअल सोसाइटी इज अ सुपर ऑर्गेनिक सोसाइटी इज अ सुपर इंडिविजुअल समाज अधि साव्य भी है समाज अधि वैक्तिक है समाज व्यक्ति से ऊपर है समाज की अपनी स्वतंत्र सत्ता है समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है समाज व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है मनुष्यों पर निर्भर नहीं है मनुष्य पैदा लेते हैं मर जाते हैं पैदा लेते हैं मर जाते हैं परंतु समाज का अस्तित्व तो बना रहता है समाज की निरंतरता बनी रहती है मनुष्य को तो समाज ही बनाता है जिस तरह के समाज में जिस प्रकार के समाज में मनुष्य पैदा लेता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है समाज से इतर अगर मनुष्य पैदा ले या मनुष्य समाज में पैदा ले, लेकिन पैदा लेते ही दो तीन दिन बाद उसे जानवरों के साथ रख दिया जाए उसमें मनुष्यता विकसित नहीं होगी वो एक विशेष प्रकार का जानवर बनकर रह जाएगा मनुष्य तो तभी बनता है जब समाज में वो रहता है समाज में उसका समाजीकरण होता है समाज के वो तौर तरीके को सीखता है मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में मनुष्य के बुद्धि के विकास में मनुष्य के मनोविज्ञान के निर्धारण में मनुष्य के विचारों के निर्धारण में मनुष्य के मनोवृत्ति के, के निर्धारण में यहां तक कि मनुष्य के पसंद नापसंद के निर्धारण में भी समाज निर्धारक होता है समाज प्रमुख होता है समाज मनुष्य का उत्पादक है मनुष्य समाज का उत्पाद है ये दूसरी धारा है दुर्खीम अगस्त कॉम्टे, उधर आगे चलोगे तो पार्सन्स, मर्टन, ये सभी दूसरी धारा के विचारक तो ह्यूमैनिटीज़ में नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी समाज विज्ञान में यह एक लड़ाई डिबेट सदैव विद्यमान रहा है मनुष्य बड़ा या समाज बड़ा मनुष्य समाज का निर्माता या समाज मनुष्य का निर्माता दोनों के अपने तर्क है दोनों के अपने तर्क है लेकिन यह डिबेट में तमाम रहा है अब जिन्होंने समाज को बल दिया उनके लिए समाज और मनुष्य की परिभाषा कुछ और होगी और जिन्होंने मनुष्य को बल दिया उनके लिए मनुष्य और समाज की परिभाषा कुछ और होगी इसलिए जब भी हम परिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो कभी भी हमारे से एंसर राइट करते समय गलतियां नहीं होगी नहीं तो सोचो बच्चा अगर आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो एक ह्यूमन एरर लाइन लिखते समय आपने कुछ ऐसा वाक्य लिख दिया जो वाक्य आदर्शवादी मान्यताओं के अनुरूप है और मार्क्स तो आदर्शवाद का विरोधी था मार्क्स तो भौतिकवादी ही विचारक था तो सोचो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट धाराशाही हो गया आपको समझ में नहीं आएगा आपको लगेगा कि हमने तो लिखा है लगभग बातें लेकिन एग्जामिनर आपकी औकात को समझ जाएगा और मैंने बार बार कहा है कि पंद्रह सोलह हजार छात्रों में से एक हजार में आना है आपको तो एक छोटा मिस्टेक भी आपके लिए घातक हो सकता जीरो मिस्टिक अप्रोच हमारी तैयारी का यही होनी चाहिए तो मार्क्स मनुष्य को किस रूप में देखता है मार्क्स भौतिकवादी विचारक है तो निश्चित रूप से मार्क्स कहेगा कि मनुष्य समाज का उत्पाद है कहेगा मार्क्स ने कहा भी ने मनुष्य को इकोनॉमी का उत्पाद माना समाज में भी समाज के कई अंग हैं समाज के विभिन्न अंगों में से उसने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया धरती पर आए अन्य जानवर भी आए हमारी भी जरूरत थी अन्य जानवरों की भी जरूरत थी और हमारे चारों तरफ नेचर था अन्य जानवरों ने नेचर का दोहन किया और अपनी जरूरतों को पूरा किया हमने भी नेचर का दोहन किया और अपनी जरूरतों को पूरा किया अन्य जानवर आज भी नेचर का दोहन करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं हम आज भी नेचर का दोहन करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं लेकिन अन्य जानवर से थोड़ा हम भिन्न थे हमारे पास एक समृद्ध मस्तिष्क था माइंड था और हम सीधा खड़ा हो सकते थे हाथों की उंगलियों की विशिष्ट बनावट थी यानी हमारे पास एक रिच माइंड था और हमारे पास विशेष प्रकार की शारीरिक क्षमता थी और इन दोनों ही क्षमताओं के योग से हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में प्रकृति का दोहन करने के क्रम में बहुत सारी भौतिक चीजों को और अभौतिक चीजों को बना डाला पेड़ से फल तोड़ने के लिए हमने डंडा बना दिया चढ़ने के लिए सीढ़ी बना दिया सोने के लिए चौकी खटिया बना दिया टेबल बना दिया मशीन बना दिया बहुत सारी चीजें बना दी उत्पादन करने के लिए वस्तुओं को रखने के लिए यौन संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारे नियम बना दिए मूल्य बना दिए रीति रिवाज प्रथा परंपरा बहुत सारी अभौतिक अभौतिक चीजों की रचना कर डाली बहुत सारी भौतिक चीजों की रचना चाहे वो डंडा हो चाहे सीढ़ी हो चाहे कुर्सी हो टेबल हो कटिया हो पलंग हो सारी चीजें मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं हैं। इस पर्यावरण में दो तरह की वस्तुएं हैं एक नेचर द्वारा निर्मित पहाड़ को प्रकृति ने बनाया है नदियां प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं जंगल प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं लेकिन हम इन्हीं को बोल्ड करके अगर मकान बना देते हैं तो ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। लकड़ी को काट के कुर्सी टेबल बना दिया ये मानव निर्मित है तो इस चारों तरफ प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं और मानव निर्मित वस्तुएं हैं मानव निर्मित वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं भौतिक कुर्सी टेबल पंखा मूर्त चीजें और अभौतिक रीति रिवाज प्रथा परंपरा कला साहित्य मानव निर्मित इन भौतिक पक्षों को हम सभ्यता के नाम से जानते हैं सिविलाइजेशन और मानव निर्मित इन अभौतिक पक्षों को हम संस्कृति के नाम से जानते हैं कल्चर के नाम से जानते हैं अन्य जानवरों ने प्रत्यक्षतः प्रकृति का दोहन किया और अपनी जरूरतों को पूरा किया अन्य जानवर के पास संस्कृति और सभ्यता नाम की चीज नहीं अन्य जानवर भी अपनी भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करते सेक्स की जरूरतों को पूरा करते सब कुछ करते हैं लेकिन उनके पास इसके लिए कोई नियम तौर तरीका रीति रिवाज मान्यता नहीं है अन्य जानवरों ने किसी भौतिक चीजों की रचना नहीं करी है हमने करी है अन्य जानवर भी समूह में रहते हैं जैसे हम रहते हैं चीटियों का समूह होता है मधुमक्खियों का समूह होता है हाथियों का समूह होता है बहुत सारे विद्वानों ने चीटियों में मधुमक्खियों में हाथियों में बहुत सारे समाज के लक्षणों को आइडेंटिफाई भी किया है लेकिन वो समाज नहीं है हमारे पास भी समाज नाम की चीज है क्योंकि हमारे पास संस्कृति और सभ्यता है बहुत सारे विद्वानों ने समाज की परिभाषा में लिखा है कि संस्कृति और सभ्यता से युक्त मनुष्यों के समूह को हम समाज कहते हैं संस्कृति और सभ्यता ही है जो हमें अलग करती है अन्य जानवरों से अन्य जानवरों के समूह से तो नो डाउट इस समाज के निर्माण में मानव प्रमुख है मानव की सृजनशीलता की क्षमता प्रमुख है और मार्क्स डिनाई नहीं कर सकता है इसलिए मार्क्स भौतिकवादी विचारक था वो समाज के विभिन्न अंगों में हमने जब धरती पर आए हमारी जरूरतें थी पूरा हमने किया प्रकृति का दोहन किया अलग अलग जरूरतें थी इसलिए अलग अलग तरह का क्रिया अंत क्रिया किया भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रिया उससे जुड़े संस्कृति सभ्यता मतलब नियम तौर तरीका हथियार औजार कुदाल हल मशीन ओवरऑल कॉल इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम फैमिली सिस्टम मैरिज सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ये सभी इस मानव समाज के अलग अलग अंग हैं अलग अलग समूह हैं अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम जुड़कर अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं ये सब समाज के अंग हैं और इन सभी अंगों में मार्क्स सबसे ज्यादा प्रमुखता किसको देता है इकोनॉमी को देता है आर्थिक व्यवस्था को देता है इसलिए मार्क्स ने मनुष्य को समाज का उत्पाद माना है लेकिन समाज में भी किसका उत्पाद माना है तो उसने इकोनॉमिक सिस्टम का उत्पाद माना है मार्क्स कहता है कि मनुष्य उत्पादन प्रणाली आर्थिक व्यवस्था से मनुष्य की क्रियाएं निर्धारित आर्थिक व्यवस्था से मनुष्य की सोच निर्धारित होती है दैस, 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 दैस। बट साथ साथ मार्क्स मनुष्य को एक सृजनशील प्राणी के रूप में भी देखता है मनुष्य को एक सृजनशील प्राणी के रूप में भी देखता है यह वही मनुष्य है जो उत्पादन के साधनों का निरंतर विकास करता रहा है पत्थरों का औजार लोही का औजार हथियार मशीन हल कुदाल ट्रैक्टर हार्वेस्टर थ्रेसर मशीन ये वही मनुष्य है और इन सभी चीजों के विकास में कहीं ना कहीं मनुष्य की सृजनशीलता की क्षमता महत्वपूर्ण रही है इस बात को मार्क्स स्वीकार करता है इसलिए मार्क्स के शब्दों में अगर हम कहें कि मनुष्य का डिफिनेशन क्या है तो हम कहेंगे मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है जो समाज का उत्पादक एवं उत्पाद दोनों है मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है बच्चा मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है जो समाज का उत्पादक भी है और उत्पाद भी समझ में आ गया होगा समाज क्या है अगला शब्द समाज क्या है? जो व्यक्ति पर बल देते हैं वो कहते हैं कि समाज मनुष्य के क्रियाओं अंत क्रियाओं का एक स्वरूप है कोचिंग क्या है कोचिंग हमारे क्रियाअत क्रिया का एक रूप है हम यहां क्रिया कर रहे हैं आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो हमारे आपके बीच में एक क्रिया अंत क्रिया हो रही है एक विशेष प्रकार की क्रिया अंत क्रिया हो रही है हम यहां मार्क्स पढ़ा रहे हैं हम यहां यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं राइट आप पढ़ रहे हो तैयारी के लिए पढ़ रहे हो ये क्रिया अंत क्रिया एक विशेष प्रकार की क्रिया क्रियांत क्रिया है एक नाम दे दिया गया कुछ ही हम घर में जाते हैं हमारी वहां पत्नी है बच्चे हैं वहां हमारी क्रिया अंत क्रिया एक विशेष प्रकार की होती है उनका रिस्पॉन्स एक विशेष प्रकार का होता है उस तरह की क्रिया अंत क्रिया को नाम दे दिया गया परिवार तो परिवार कोचिंग शिक्षण संस्थाएं आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था एवरीथिंग व्हाट इज दिस जो मनुष्य को महत्व तो देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ समाज कुछ नहीं है क्रिया अंत क्रिया का रूप है क्रिया अंत क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का समग्र है ये है समाज लेकिन जो समाज को महत्व तो देते हैं। जो समाज को व्यक्ति से ऊपर हैं, वो कहते हैं कि समाज विभिन्न अंगों से मिलकर विभिन्न अंगों से मिलकर निर्मित एक व्यवस्था है सोसाइटी एज अ सिस्टम सोसाइटी एज अ सिस्टम जो मनुष्य के क्रिया अंत क्रिया से बेशक बनता है लेकिन यह मनुष्य से ऊपर है सुपर ऑर्गेनिक सुपर इंडिविजुअल दोनों की परिभाषाएं मनुष्य के लिए अलग अलग होगी मार्क्स की परिभाषा मनुष्य के लिए है कि मनुष्य समाज के लिए है कि समाज मनुष्य की क्रिया से निर्मित क्रिया क्रियांत क्रिया से ही निर्मित विभिन्न अंगों की समग्रता है तो बैलेंस है मार्क्स का विचार समग्रता है लेकिन उसमें एक और लाइन मार्क्स जोड़ता है जो निरंतर परिवर्तनशील है निरंतर परिवर्तनशील है इसलिए मार्क्स को परिवर्तन का सिद्धांतकार माना जाता है अगेन आई रिपीट याद रखिएगा दिमाग में इंजेक्ट मार्क्स को परिवर्तन का सिद्धांतकार माना जाता है मार्क्स को परिवर्तनवादी विचारधारा विचारक माना जाता है मार्क्स ने परिवर्तन की व्याख्या को समझाने का प्रयास किया वहीं पर कंपेटिवली यदि हम दुर्खीम को देखें पार्सन्स को देखें कॉम्टे को देखें तो कहा जाता है कि ये लोग स्थिरता के सिद्धांतकार हैं ये लोग स्थिरतावादी विचारक जो काफी हद तक समाज को स्थिर मानते हैं मार्क्स काफी हद तक समाज को परिवर्तनशील मानता है मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है जो समाज का उत्पादक एवं उत्पाद है कि दोनों है मार्क्स जब समाज को डिफाइन करता है तो आपके स्क्रीन पर है देखिए जरा मैं साइड हो जाता हूं समाज मनुष्य की अंत क्रियाओं से निर्मित अंत क्रियाओं को महत्व देता है विभिन्न अंगों की समग्रता है मनुष्य की अंत क्रियाओं से निर्मित विभिन्न अंगों की समग्रता है विभिन्न अंगों की समग्रता है विभिन्न अंगों की समग्रता है जो निरंतर परिवर्तनशील है जो निरंतर परिवर्तनशील है क्लियर हो चुका है बच्चा मैंने बस दो शब्दों में बहुत सारी बातें आपको बता दी मार्क्स को पकड़ने में मार्क्स के विचारों के स्वरूप को पकड़ने में अब उस स्ट्रक्चर को स्वरूप को समझ जाओगे तो उसमें से क्या निकल रहा है उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा आगे आपके लिए और कुछ शब्द है दो शब्द आपके सामने स्क्रीन पर है दोनों शब्द को देखिए सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर ये दो शब्दावली को हम जान जाए मार्क्स कहता है कि मानव समाज विभिन्न के व्यक्ति के अंत क्रियाओं क्रियाओं से निर्मित एक समग्र है इसके कई अंग हैं इकोनॉमिक सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम है फैमिली सिस्टम है मैरिज सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है वैल्यू सिस्टम है वैल्यू एंड नॉर्म सिस्टम ये सब मानव समाज के अंग है मानव समाज के बारे में मार्क्स का विचार मैं बता रहा हूं ये सब मानव समाज के अंग है लेकिन इन सब अंगों में इकोनॉमी समाज का आधार है इन सभी अंगों में इकोनॉमी समाज का बेस है बेस समझते हो जिस पर सब टिका होता है इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी समाज का सब स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब स्ट्रक्चर को जान जाओ सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दो संकल्पनाएं हैं अगर हम इसको इस रूप में देखें ध्यान दो इधर ये हो गया आपका बेस और इस पर अगर जो भी चीजें टिकी हुई है ये सब हो गया आपका जो टिकी हुई चीजें है बच्चा ध्यान से देखो जो बेस है इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है सब स्ट्रक्चर और जो ऊपर है इसके लिए यूज किया जाता है सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर अधो संरचना और अधिसंरचना अधो संरचना और अधिसंचना अधो संरचना वो होता है जिस पर अधिसंचना टिका होता है अधो संरचना आधार होता है अगर आप कुर्सी देखते हो ना तो कुर्सी के नीचे का जो बेस है जिस पर कुर्सी का सारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है जो बेस है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रक्चर और जो उस बेस के ऊपर टिकी हुई चीजें होती है उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर ये बात हमेशा ध्यान में रखो एक जनरल सेप्ट है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर बेस इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर और बेस के ऊपर जितनी भी चीजें टिकी होती आधारित होती है इस कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर है कि अगर बेस को हिला दोगे तो सुपर स्ट्रक्चर भी हिल जाएगा बेस को खिसका दोगे तो सुपर स्ट्रक्चर भी खिसक जाएगा बेस और उस पर टिकी हुई सारी चीजें क्लियर बेस इज कॉल्ड अधो संरचना सब स्ट्रक्चर कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है बेस अधो संरचना और उस बेस पर अवस्थित जितनी भी चीजें अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर यह इस सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है मार्क्स कहता है मानव समाज कई अंगों से मिलकर बना है इकोनॉमिक सिस्टम फैमिली सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम वैल्यू सिस्टम एजुकेशन सिस्टम रिलीजन सिस्टम एंटरटेनमेंट सिस्टम इस सभी मानव समाज के अंग परंतु इन सभी अंगों में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेस है समाज का आर्थिक व्यवस्था मार्क्स ने इस आर्थिक व्यवस्था को क्या नाम दिया उत्पादन प्रणाली उत्पादन प्रणाली आर्थिक व्यवस्था उत्पादन प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन का तौर तरीका उत्पादन प्रणाली समाज का सब स्ट्रक्चर होता है मार्क्स है, बेस होता है समाज का आधार होता है समाज का अधोसंरचना होता है समाज का और समाज के बाकी सारे अंग समाज के बाकी सारे अंग अगर हम कहें धर्म राजनीति शिक्षा मूल्य विवाह परिवार कला कला साहित्य सारे अंग एवरीथिंग इसी सब स्ट्रक्चर पर होते इकोनॉमिक सिस्टम पर होते so system, 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 के होते सो रिलीजन सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम फैमिली सिस्टम मैरिज सिस्टम वैल्यू सिस्टम ये सभी सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट इन सब के लिए मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग करता है अधिसंरचना शब्द का प्रयोग करता है और कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस ऑफ सोसाइटी और बाकी सारी चीजें इसी पट्टी की होती है इसी पट्टी की होती है इकोनॉमिक सिस्टम या मोड ऑफ प्रोडक्शन ही उत्पादन प्रणाली ही समाज के रिलीजन सिस्टम का क्या स्वरूप होगा पॉलिटिकल सिस्टम का क्या स्वरूप होगा एजुकेशन सिस्टम का क्या स्वरूप होगा वैल्यू सिस्टम का क्या स्वरूप होगा फैमिली मैरिज सिस्टम का क्या स्वरूप होगा कैसा होगा आर्ट कल्चर का क्या स्वरूप होगा इन सभी चीजों को इकोनॉमिक सिस्टम मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है निर्धारित करता है इकोनॉमिक सिस्टम या मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द बेस ऑफ सोसाइटी इज द सब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड अदर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बिल्कुल क्लियर है थोड़ा थोड़ा केवल अभी हम यही समझा देते हैं आपको ये मार्क्स का सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की संकल्पना है और यहीं पर थोड़ी बातें और मैं बता दूं मार्क्स कहता है कि किसी भी समाज में इकोनॉमिक सिस्टम उत्पादन प्रणाली परफेक्ट नहीं होता है उसमें कोई ना कोई द्वंद कमियां गड़बड़ियां अंतर विरोध द्वंद तो परिवर्तन का नियम है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर और डायलेक्टिज्म इज द लॉ ऑफ चेंज परिवर्तन प्रकृति का नियम है और द्वंद परिवर्तन का नियम है हर चीज में द्वंद है जो परिवर्तन को संभव बनाता है उत्पादन प्रणाली में भी द्वंद्व है कभी भी किसी भी समाज की उत्पादन प्रणाली कभी हंड्रेड परसेंट परफेक्ट नहीं होती है किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था 100 परसेंट परफेक्ट नहीं होती है उसमें कुछ न कुछ कमियां कुछ न कुछ, कुछ गड़बड़ियां विद्यमान होता है और यही गड़बड़ियां कमियां अंतर विरोध द्वंद्व उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को संभव बनाता है ध्यान देने वाली बात है यही कमियां द्वंद अंतर विरोध उत्पादन प्रणाली में ध्यान दो परिवर्तन को संभव बनाता है और जब उत्पादन प्रणाली परिवर्तित हो जाती है बच्चा तो ध्यान से देखो जब बेस ही बदल गई तो सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा ड्यू टू डायलेक्टिज्म बेस सब स्ट्रक्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक सिस्टम चेंज और चूकी इकोनॉमिक सिस्टम सब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है बेस ऑफ सोसाइटी होता है होता है सो इकोनॉमिक सिस्टम या मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज सुपर स्ट्रक्चर चेंज रिलीजन सिस्टम चेंज फैमिली सिस्टम चेंज मैरिज सिस्टम चेंज पॉलिटिकल सिस्टम चेंज वैल्यू सिस्टम चेंज एजुकेशन सिस्टम चेंज चेंज सोसाइटी चेंज सोसाइटी चेंज उत्पादन प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था समाज के निर्धारक होते हैं समाज के बेस होते हैं उत्पादन प्रणाली आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन द्वंद के नियमों के कारण होता रहता है होता रहता है यही द्वंद के नियमों के कारण उत्पादन प्रणाली प्रारंभिक उत्पादन प्रणाली से आज औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के रूप में विकसित हुई है खाद्य संकलन और शिकारी अर्थव्यवस्था वाली उत्पादन प्रणाली फिर कृषि अर्थव्यवस्था वाली उत्पादन प्रणाली फिर औद्योगिक उत्पादन प्रणाली समझ में आ रहा उत्पादन प्रणाली में यह परिवर्तन और विकास इन्हीं द्वंद के नियमों के कारण हुआ है द्वंद तो परिवर्तन का नियम है और हर समाज में उत्पादन प्रणाली ही सुपर स्ट्रक्चर को बनाती रही है सुपर स्ट्रक्चर के स्वरूप को निर्धारित करती रही है पॉलिटिकल सिस्टम फैमिली सिस्टम मैरिज सिस्टम वैल्यू सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के स्वरूप को निर्धारित करती रही इसलिए उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास के साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर में समाज में भी परिवर्तन और विकास होता रहा है होता रहा है होता रहा है क्लियर यहां तक हमें दोबारा नहीं बताना होगा और फिर हम परिभाषिक शब्दावली पर चलते हैं बच्चा देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर अधो संरचना सब स्ट्रक्चर किसी भी समाज का आधार किसी भी समाज का आधार किसी भी समाज का आधार या प्रमुख अंग जिस पर समाज टिका होता है को अधो संरचना कहा जाता है बड़ा क्लियर है अधोसंरचना या सब स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी समाज का आधार या प्रमुख अंग जिस पर समाज टिका होता है मार्क्स ने अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली को समाज की अधोसंरचना कहा है अधोसंरचना कहा है कहीं कोई डाउट अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर समाज के विपक्ष ऊपर वाला अधोसंचना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं या अभी छोड़ दो अधिसंशना सुपर स्ट्रक्चर पे आ जाओ नीचे समाज के विपक्ष जो अधोसंरचना पर आधारित होते हैं जो अधोसंरचना पर आधारित होते हैं उनको अधिसंरचना की संज्ञा दी जाती है उनको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है अगेन आई रिपीट समाज के वे पक्ष जो अधोसंरचना पर आधारित होते हैं जो बेस पर आधारित होते हैं उनको अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है मार्क्स ने राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था भौतिक व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था कानून आदि सभी पक्षों को समाज की अधिसंरचना कहा है समाज के सुपर स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया है उनका कहना है कि ये सभी इकोनॉमिक सिस्टम पे टिके होते हैं आधारित होते हैं अगेन आई रिपीट ऊपर से अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर किसी भी समाज का आधार या प्रमुख अंग जिस पर समाज टिका होता है मार्क्स ने अर्थव्यवस्था औब्लिक उत्पादन प्रणाली को समाज की अधोसंरचना कहा है अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर समाज के वे पक्ष जो अधोसंरचना पर आधारित होते हैं मार्क्स ने राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था भौतिक व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था कानून आदि सभी पक्षों को समाज की अधिसंरचना कहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट शब्दावली नेक्स्ट शब्दावली है आपका उत्पादन प्रणाली नेक्स्ट शब्दावली है आपका उत्पादन प्रणाली आपके सामने थोड़ा हम इस पर फोकस्ड हो। मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स के परिभाषिक शब्दावली में उत्पादन प्रणाली क्या है यहां हम लोगों को कुछ शब्दों का सामना करना पड़ेगा पहला है मोड ऑफ प्रोडक्शन दूसरा है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और तीसरा है प्रोडक्शन रिलेशन आपके सामने स्क्रीन पर है उत्पादन प्रणाली प्रोडक्शन सिस्टम नहीं बच्चा मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन का तरीका यहां थोड़ा सा हम लोग सुधार देना चाहेंगे ज्यादातर अप्रोप्रिएट शब्द है मोड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन ये ज्यादा उपयुक्त शब्द है मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन का तरीका राइट right? मोड मतलब तरीका ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का मार्क्स ने इकोनॉमिक सिस्टम शब्द के जगह पर इस शब्द को ज्यादा बेहतरीन माना उत्पादन प्रणाली को मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्स ने डिफाइन किया वो कहते हैं किसी भी समाज में किसी भी समाज में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के तौर तरीके को उत्पादन प्रणाली की संज्ञा दी जाती है समाज में हम अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं उत्पादन करते हैं उत्पादन में हम क्या करते हैं बच्चा प्रकृति का दोहन करते सामान्य रूप से उत्पादन में हम हम यही करते हैं प्रकृति का दोहन करके अपनी जरूरतों को पूरा करते धरती पर हम आए थे तो हमारे चारों तरफ नेचर था नेचर था और फिर हमारी जरूरतें थी हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचर का दोहन किया ये जो नेचर का दोहन है इसको प्रोडक्शन प्रोडक्शन नेचर का दोहन हम दो तरीके से कर लेते हैं हम एक तो प्रत्यक्ष नेचर का दोहन करते हैं फल को तोड़ा और खा लिया गुफाओं में जाकर सो गए ये प्रत्यक्ष नेचर का दोहन है ये जानवर इसी तरीके से नेचर का दोहन करते हैं हाथी पत्तियों को तोड़कर खा जाते हैं सिर जानवरों को खा जाते हैं वो भी नेचर में ही है ना नदी से पानी पी लेते हैं लेकिन मनुष्य चूंकि सृजनशील प्राणी है इसलिए वो विभिन्न तरीकों से प्रकृति का दोहन करता है धान उत्पादन करता है गेहूं उत्पादन करता है मक्का उत्पादन करता है और मक्के से फिर कॉर्नफ्लेक्स भी बना लेता है जंगलों से लकड़ी काटता है और उस लकड़ी से कई चीजें बना लेता है यह सब कुछ उत्पादन कहलाता है यह सब कुछ प्रोडक्शन कहलाता है और ये जो प्रोडक्शन का तौर तरीका है इसी को हम उत्पादन प्रणाली कहते हैं इसी को हम उत्पादन का तरीका कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कि उत्पादन के जो तौर तरीके होते हैं जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन या किसी भी समाज में उत्पादन के तौर तरीके को देखने में दो बातें महत्वपूर्ण होती है अगर हम किसी समाज के उत्पादन के तौर तरीके को देखते हैं तो इसके अंतर्गत दो चीजों को शामिल किया जाता है उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध फोर्सिस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फोर्सेज एंड प्रोडक्शन रिलेशन शक्ति क्या है पावर क्या है फोर्स क्या है ताकत क्षमता तो उत्पादन की शक्तियां मतलब उत्पादन मतलब करने की ताकत या क्षमता मेरी बातों को ध्यान से सुनो उत्पादन की शक्तियां मतलब उत्पादन करने की ताकत या क्षमता और उत्पादन मतलब प्रकृति का दोहन तो उत्पादन की शक्तियां मतलब प्रकृति का दोहन करने की मानवीय क्षमता प्रकृति का दोहन करके अपनी जरूरतों को पूरा करने की मनुष्य की ताकत या क्षमता प्रकृति के दोहन की मानवीय क्षमता इस कॉल उत्पादन की शक्ति और प्रकृति का दोहन करने की मानवीय क्षमता कई चीजों पर निर्भर करती है इनको दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं एक उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन साधन जिनके द्वारा हम प्रकृति का दोहन करते हैं कच्चा माल यंत्र हथियार औजार मशीन, ये सब को मार्क्स ने उत्पादन के साधन के अंतर्गत शामिल किया है किसी भी समाज में चाहे वो आदिम समाज हो आधुनिक समाज हो अगर कच्चा माल की अधिकता है और मशीन और औजार उन्नत हैं तो आप कह सकते हो कि उस समाज में उत्पादन का साधन तगड़ा है और उत्पादन का साधन तगड़ा होगा तो प्रकृति के दोहन की ताकत या क्षमता भी अधिक होगी बिल्कुल सही उत्पादन की शक्तियां अधिक होगी लेकिन एक और बात है जिस पर मार्क्स फोकस्ड होना चाहता मार्क्स के पूरे विश्लेषण में ये सेकेंड पार्ट इंपोर्टेंट है बहुत सारे विद्वान उत्पादन की शक्तियों के अंतर्गत मुख्यतः कच्चा माल और यंत्र औजार को ही महत्व तो देते थे और जिनके पास कच्चा माल है यंत्र है खेत है मशीन है कारखाना है वो बॉस है क्योंकि उत्पादन की शक्तियों का वही निर्धारक है मजदूर मतलब क्या आउट मार्क्स ने कहा नहीं। कि नहीं केवल कच्चा माल यंत्र हथियार औजार से उत्पादन नहीं होता है बच्चा इस उत्पादन की शक्तियों का एक और तत्व तो है एक और एलिमेंट है वो है लेबर पावर श्रम शक्ति मतलब उत्पादन करने के लिए कच्चा माल से यंत्र औजार के प्रयोग द्वारा कच्चा माल से यंत्र औजार के प्रयोग द्वारा उसे उपभोग की वस्तु बनाने के लिए उत्पादन करने के लिए मानवीय ज्ञान मानवीय निपुणता यानी श्रम से संबंधित निपुणता उन मशीनों के प्रयोग करने की क्षमता तकनीकी क्षमता मशीन रख के क्या करेगा जब इंजीनियर ही नहीं हो मशीन रह के क्या करेगा जब इंजीनियर ही नहीं हो कच्चा माल पड़ा रह जाएगा जब तक लेबर ही नहीं हो चाहे वह कुशल श्रमिक हो चाहे कुशल श्रमिक हो मैनुअल लेबर हो चाहे स्किल्ड लेबर हो ये चाहिए उत्पादन में इनकी अहम भूमिका होती है उत्पादन की शक्तियां मे मार्क्स ने उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति दोनों को शामिल किया है और कहा है कि किसी भी समाज में प्रकृति के दोहन की ताकत या क्षमता को उत्पादन की शक्तियों को कौन दर्शाता है उस समाज में उत्पादन के साधन का स्तर कैसा है उस समाज में श्रम शक्ति का स्तर कैसा है मतलब हम अगर कहे आपसे कि आदिम समाजों में उत्पादन की शक्तियां ताकत क्षमता ज्यादा थी या आधुनिक समाजों में तो आपका उत्तर होगा आधुनिक समाजों में। अगर हम फिर से इसी वाक्य को रिपीट करें कि आदिम समाजों में प्रकृति के दोहन की ताकत या क्षमता ज्यादा थी क्योंकि प्रकृति का दोहन ही उत्पादन है प्रकृति के दोहन की ताकत या क्षमता ज्यादा थी आधुनिक समाजों में तो आप कहोगे आधुनिक समाजों में कहोगे क्यों क्योंकि ढेर सारा कच्चा माल जंगलों को काट करके हमने तैयार कर लिया है हमारे पास कच्चा माल की अधिकता है तकनीकी विकास के कारण ढेर सारे यंत्र औजार मशीन हमने तैयार कर लिया है हम तो सूर्य के प्रकाश का भी शोषण कर रहे हैं और हम बिजली बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश का भी शोषण कर रहे हैं हवाओं का शोषण कर रहे हैं जल का शोषण कर रहे हैं जल से बिजली बना रहे हैं जल से सिंचाई कर रहे हैं हम तो प्रकृति के हर पार्ट का दोहन कर रहे हैं और हम दोहन करने में कैसे सक्षम हुए तो निरंतर हम ढेर सारे मशीनों का औजारों का निर्माण किए हैं निरंतर हमने कच्चा माल को भी तैयार किया है और हम निरंतर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर ढेर सारा ट्रेनिंग देकर के श्रम शक्ति को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास किया तो उत्पादन का तौर तरीका बोर्ड ऑफ प्रोडक्शन का पहला पार्ट है उत्पादन की शक्तियां फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन और उत्पादन श्रम शक्ति दोनों को शामिल किया जाता है ये दोनों मिलके ही के दोहन की ताकत या क्षमता को निर्धारित करते हैं शक्तियों को निर्धारित करते हैं और दूसरा है उत्पादन के संबंध दूसरा है उत्पादन के संबंध मार्क्स कहता है कि उत्पादन एक वैक्तिक घटना नहीं है एक सामाजिक घटना है हम अकेले उत्पादन नहीं करते हैं हम समाज से संबद्ध होकर उत्पादन करते हैं हम जानवर नहीं है कि हम केवल अपने लिए उत्पादन करते हैं जानवर केवल अपने लिए करते हैं फल तोड़ते हैं अपने खाने के लिए या ज्यादा हुआ तो अपने बच्चों के लिए कभी जानवर को अन्य जानवरों के लिए फल तोड़ते हुए नहीं देखोगे लेकिन हम जो है मनुष्य है हम सामाजिक प्राणी हैं हम उत्पादन केवल अपने लिए नहीं करते हैं अन्यों के लिए भी करते हैं समाज से संबद्ध होकर करते हैं अन्यों के साथ मिलकर करते हैं मार्क्स कहता है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया में और सारे लोग लगे होते हैं, और, और सारे लोगों से जुड़ के ही हम उत्पादन करते हैं हमारे साथ अन्य ढेर सारे श्रमिक होते हैं हमारे साथ कारखाना का मालिक होता है इन सब के साथ जुड़ के ही हम उत्पादन करते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए व्यक्तियों के बीच के जो संबंध है इसको हम उत्पादन के संबंध करते हैं मार्क्स इसको उत्पादन का संबंध करता है और इन संबंधों में मार्क्स सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है उत्पादन के साधनों के स्वामी वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच यानी अगर हम कहें तो आदिम समाजों में दास और मालिक के बीच संबंध सामंती युग में भू सामंत भूमि के मालिक और कृषि मजदूरों के बीच का संबंध और आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पूंजीपति करखाना का मालिक और करखाना में काम करने वाले मजदूरों के बीच के संबंध को उत्पादन संबंध में मार्क्स ने सबसे प्रमुख माना है उत्पादन संबंध तो उत्पादन के तौर तरीके के अंतर्गत दो तत्व शामिल होते हैं उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध उत्पादन की शक्तियां मतलब प्रकृति के दोहन की ताकत या क्षमता जिसका प्रत्यक्षण उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति से होता है और उत्पादन के संबंध मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए लोगों के बीच के संबंध मुख्यतः स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के बीच का संबंध ने कहा कि अगर किसी समाज के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको लिखना है किसी समाज के उत्पादन प्रणाली के बारे में आपको लिखना है किसी समाज के मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको लिखना है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये दोनों बातें शामिल होनी चाहिए वहां पर उत्पादन की शक्तियां कैसी थी और उत्पादन के संबंध कैसे थे जब तक दोनों बातों की चर्चा नहीं आप करोगे तब तक आप इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कुछ नहीं लिखना अगर हम आपसे कहें कि दास युग के मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखिए तो आपको लिखना होगा कि वहाँ पर उत्पादन की शक्तियां कैसी थी मतलब उत्पादन के साधन क्या थे श्रम शक्ति का क्या लेवल था और दूसरा उत्पादन के संबंध कैसे थे दास और मालिक के बीच रिलेशन कैसा था कृषि अर्थव्यवस्था में अगर हम पूछे आपसे कि उत्पादन प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए तो आपको इन दोनों बिंदुओं की चर्चा करनी होगी उत्पादन की शक्तियां कैसी थी खेत कितने थे कितने ज्यादा जंगलों को काट करके खेत बनाए गए कृषि कार्य के लिए यंत्र का क्या स्तर था और श्रम शक्ति कैसी थी और दूसरा कृषि मजदूरों या कृषि मजदूर और भूसामंतों के बीच के संबंध कैसे थे अगर हम आधुनिक पूंजीवादी युग में औद्योगिक समाज में उत्पादन प्रणाली के बारे में आपसे पूछे तो आपको बताना होगा आपको दिखाना होगा आपको लिखना होगा यहाँ पर उत्पादन की शक्तियां कैसी कच्चा माल हथियार औजार मशीन यंत्र निश्चित रूप से काफी विकसित हो चुकी है यहाँ श्रम शक्ति कैसी और साथ साथ आपको यह भी बताना होगा कि इस उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के संबंध कैसे हैं? कारखाना मालिक और श्रमिकों के बीच के संबंध कैसे हैं? जब तक दोनों की चर्चा नहीं की जाती है तब तक इकोनॉमिक सिस्टम का विश्लेषण अधूरा है मार्क्स ने जब कहा कि समाज कई अंगों से मिलकर बना है इसमें इकोनॉमिक सिस्टम बेस ऑफ सोसाइटी तो इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करता है मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन के डिफाइन करने में इन दोनों संकल्पनाओं को रखता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रेडिसन ये ध्यान में रखना चाहिए इन संकल्पनाओं और परिभाषिक शब्दावली के माध्यम से मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं मार्क्स के विचारों को और जब दिबारा हम चलेंगे बच्चा हिस्टोरिकल मेट्रिज्म जब पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन जब पढ़ेंगे अलग 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 तो हम अब हम वहाँ गहराई में उतरेंगे तो आपको बेसिक पूछने की जरूरत नहीं होगी ये मेरा अपना स्टाइल है अपना तरीका है अब वहां पर गहराई एक बेसिक बच्चे को भी समझ में आएगी क्लियर है तो दो एक संकल्पना और हम लोगों ने क्लियर कर लिया उत्पादन प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन रिलेशन मार्क्स के विचारों में दो और संकल्पनाएं हैं जो आपके सामने है मार्क्स के विचारों में दो और संकल्पनाएं हैं जो आपके सामने है. आपके सामने स्क्रीन पर है ध्यान से देखो वर्ग क्लास और दूसरा है वर्ग शोषण ध्यान रहे पहला है वर्ग और दूसरा है वर्ग शोषण क्लास एक्सप्लाइटेशन वर्ग और वर्ग शोषण सामान्य तौर पे वर्ग के बारे में आप जानते हो सामान्य परिभाषा वर्ग की यही है कि समाज में एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते अगर आप में से दस लोगों के पास एक एक करोड़ रुपया है बैंक में तो आप करोड़पति हुए आप एक वर्ग के सदस्य हुए आप सब मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हो वर्ग एक व्यक्ति नहीं होता है हमेशा ध्यान रखना वर्ग एक ग्रुप होता है आप सब मिलकर ग्रुप का निर्माण करते हो एक जैसा आप सबकी इकोनॉमिक सिचुएशन एक जैसी है हम कह सकते हैं उच्च वर्ग आप में से दस लोगों का या बीस लोगों की बैंक अकाउंट में दो लाख चार लाख पांच लाख आठ लाख रुपए है वो बीसो लोग एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं और चूंकि एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं तो फिर वो क्या हुए वो एक वर्ग के सदस्य हुए वो सब मिलकर एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप बनाते हैं एक वर्ग बनाते हैं अब इनको उच्च वर्ग का हो गया मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग लखपति वर्ग करोड़पति वर्ग और आप में से सौ लोग के बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं जीरो है बैंक अकाउंट ही नहीं है एकदम गरीब है चूंकि सौ गरीब है तो सब मिलके समूह बना लिए एक जैसा समूह उनका बन गया बना नहीं एक जैसी एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं गरीब वर्ग निम्न वर्ग उच्च वर्ग मध्यम वर्ग निम्न वर्ग समझ में आ चुका है वर्ग का सामान्य डिफिनेशन यही है बच्चा वर्ग की सामान्य परिभाषा यही है एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को हम वर्क करते हैं हम क्लास करते हैं कहते हैं आपका क्लास डन कोई दिक्कत मार्क्स वर्ग को थोड़ा अलग परिभाषित करता है मार्क्स एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह की जगह मार्क्स कहता है उत्पादन के साधन साधन मतलब खेत हथियार औजार कारखाना ट्रैक्टर हार्वेस्टर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कच्चा बाल उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को मार्क्स ने वर्ग की संज्ञा दी है उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध मतलब हमारे शहर में पचास कारखाना है हर कारखाना में दस दस हजार श्रमिक काम करते हैं टोटल पांच लाख श्रमिक हमारे शहर में है जो इन पचास कारखानों में काम करते हैं राइट right? रमेश कुमार सुरेश कुमार गणेश कुमार महेश कुमार टैस 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 ये सभी कारखाना के मालिक हैं सबका एक एक कारखाना है पचास लोग हैं अब बताओ ये पचासों लोग अगर देखोगे तो एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले ही होंगे डन मार्क्स कहते हैं कि ये पचासो लोग करखाना से के साथ करखाना मतलब यहां क्या हुआ उत्पादन का साधन यहां करखाना हुआ फैक्ट्री इस उत्पादन के साधन के साथ फैक्ट्री के साथ ये सब एक जैसा संबंध रखते हैं उत्पादन के फैक्ट्री के साथ दो ही तरह का संबंध होता है या तो फैक्ट्री का स्वामी और ही तो फैक्ट्री के स्वामित्व से वंचित स्वामित्व का संबंध और वंचितता का संबंध स्वामित्व का संबंध और वंचितता का संबंध अगेन आई रिपीट उत्पादन का साधन अगर कारखाना है तो स्वामित्व का संबंध और वंचितता का संबंध उत्पादन का साधन अगर खेत है कृषि अर्थव्यवस्था में तो स्वामित्व का संबंध और वंचितता का संबंध खेत का स्वामी और खेत के स्वामित्व से वंचित मतलब खेत में काम करने वाला कृषि मजदूर कारखाना का स्वामी और कारखाना से स्वामित्व से वंचित मतलब कारखाना में काम करने वाला मजदूर उत्पादन के साधनों के साथ मार्क्स कहता है दो ही तरह के संबंध होते हैं स्वामित्व का संबंध और वंचितता का संबंध हमारे शहर में हमारे पचास कारखाने में ये जो पचास लोग हैं इस साइड में जो हमारे राइट साइड में सब हैं ये सब कारखाना के साथ एक जैसा संबंध रखते हैं कैसा वाला स्वामित्व वाला स्वामित्व का संबंध स्वामित्व का संबंध सब एक जैसे हैं सब एक जैसे हैं ये सब मिलकर एक वर्ग बनाते हैं स्वामी वर्ग है हैब्स पूंजीपति वर्ग जो कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में है तो मार्क्स ने इनको उद्योगपति पूंजीपति वर्ग कहा है पूंजीपति वर्ग उद्योगपति वर्ग और इधर पांच लाख लोग बैठे हुए हैं ये पांच लाख लोग उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखते हैं एक जैसा मतलब कैसा वाला वंचितता का संबंध रखते हैं वंचितता का संबंध सब एक जैसे ये सब मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं वंचित वर्ग है स्वामी वर्ग हैब्स वंचित वर्ग है उत्पादन के साधनों के साथ स्वामित्व का संबंध रखने वाला व्यक्तियों का समूह स्वामी वर्ग हैब्स उत्पादन के साधनों के साथ वंचितता का संबंध रखने वाला समूह वंचित वर्ग नोट्स यदि खेत उत्पादन का साधन है तो उसके साथ स्वामित्व का संबंध रखने वाले सारे सामंतों का समूह स्वामी वर्ग है और उससे वंचितता का संबंध रखने वाले सारे कृषि मजदूर है उत्पादन का साधन करखाना है तो उसके साथ स्वामित्व का संबंध रखने वाले सारे हैब्स स्वामी वर्ग संपत्ति है तो संपत्तिशाली वर्ग स्वामी वर्ग और उससे वंचित है मार्क्स वर्ग को इसी रूप में परिभाषित करता है उत्पादन के साधन के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को मार्क्स ने वर्ग की संज्ञा दी है क्लास की संज्ञा दी है और बताया है कि कैसे अलग अलग ऐतिहासिक रूप से अलग अलग समाजों में दास युग में सामंती युग में आधुनिक औद्योगिक युग में उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले समूह वर्ग का निर्माण करते रहे हैं करते रहे है, करते रहे इस तरह से समाज सदैव दो वर्गों में बटा रहा है समाज का इकोनॉमिक सिस्टम सदैव दो वर्गों में बटा रहा है समाज का प्रोडक्शन रिलेशन सदैव दो वर्ग बने रहे हैं उत्पादन के साधनों के साथ स्वामी वर्ग और उत्पादन के साधनों के साथ वंचित वर्ग मालिक दास भू सामंत कृषि मजदूर उद्योगपति पूंजीपति और कारखाना श्रमिक मार्क्स कहता है कि ऐतिहासिक रूप से इन दोनों वर्गों के मध्य जो रिलेशन होता है का संबंध होता है दोनों वर्गों के मध्य और के मध्य जो रिलेशन है इस शोषण पे आधारित होता है इसमें कौन किसका शोषण करता है मार्ग के ऐतिहासिक रूप से जो स्वामी वर्ग है वो वंचित वर्ग का शोषण करता रहा है दास युग में मालिक ने दासों का शोषण किया है सामंती युग में भू सामंतों ने कृषि मजदूरों का शोषण किया है और आज आधुनिक औद्योगिक समाज में पूंजीपतियों ने करखाना श्रमिकों का शोषण किया है करखाना श्रमिकों का शोषण किया कर रहे हैं मार्क्स ने इसी को वर्ग शोषण की संज्ञा दी है इस कॉल क्लास एक्सप्लाइटेशन स्वामी, द्वारा स्वामी द्वारा सूसर। वर्ग द्वारा वंचित वर्ग का शोषण स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्ग का शोषण वर्ग शोषण मार्क्स कहता है ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा है और इस शोषण को लेकर ये दोनों वर्ग ऐतिहासिक रूप से लड़ते रहे हैं संघर्षरत रहे हैं ऐसा नहीं है कि वंचित वर्ग ने इस शोषण का विरोध नहीं किया वंचित वर्ग ने शोषण का विरोध किया दास युग में भी दासों ने मालिक के इस शोषण का विरोध किया था सामंती युग में भी कृषि मजदूरों ने भूसामंतों के शोषण का विरोध किया था और आज पूंजीवादी युग में भी श्रमिक वर्ग इन पूंजीपतियों के शोषण का विरोध करते हैं करेंगे मार्क्स ने इसी विरोध को इसी लड़ाई को इसी झगड़े को इसी संघर्ष को वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है आपकी अगली संकल्पना है, वर्ग संघर्ष क्लियर वर्ग संघर्ष वंचित वर्ग और स्वामी वर्ग के बीच वर्ग शोषण को लेकर होने वाला संघर्ष अगेन आई रिपीट वंचित वर्ग और स्वामी के वर्ग के बीच वर्ग शोषण को लेकर होने वाला संघर्ष वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष कहलाता है, और वर्ग संघर्ष मानव समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है हर युग में यह वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है क्योंकि हर युग में ये वर्ग विद्यमान रहे हैं क्योंकि हर युग में वर्ग शोषण विद्यमान रहा है फिर प्रश्न है कि क्या धरती पर जब हम जानवर से मानव के रूप में विकसित हुए तब से वर्ग है तब से समाज दो वर्गों में बटा है स्वामी और वंचित सोचो जरा या बाद में आया मार्क्स कहता है बाद में आया जब धरती पर पहली बार मानव समाज का इमरजेंस हुआ मार्क्स उस युग को एक नाम देता है आदिम साम्यवादी युग आदिम साम्यवादी युग दास युग सामंती युग पूंजीवादी युग चार युग आ गए आपके सामने आदिम साम्यवादी युग दास युग सामंती युग पूंजीवादी युग जो पहला समाज आया था मार्क्स कहता है वादिम साम्यवादी युग था आदिम साम्यवादी युग था और इस आदिम साम्यवादी युग में समाज के केंद्र में क्या होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स इकोनॉमिक सिस्टम उत्पादन प्रणाली इसलिए जब हम इस आदिम साम्यवादी युग की उत्पादन प्रणाली पर नजर डालते मार्क्स कहता है उस समय की उत्पादन प्रणाली बहुत कम विकसित थी उत्पादन की शक्तियां बहुत कम विकसित टाइप थी, थी। पत्थरों के औजार थे खाना बदोसी जीवन था मनुष्य बस पत्ता पहन के या थोड़ा बहुत कुछ पहनकर जंगलों में घुमक्कड़ की जिंदगी जी रहा था प्रारंभिक समाज ऐसा ही था और दिन भर घूमने के बाद किसी तरीके से कोई शिकार करता था या फल तोड़ता था और अपना भोजन की जरूरतों को पूरा करता था यानी उत्पादन की शक्तियां अभिकसित काफी अविकसित उत्पादन के साधन हथियार औजार बोतरे पत्थर के औजार श्रम शक्ति या कुशल उसी को थोड़ा बहुत चलाने वाली यहां पर उत्पादन प्रणाली जीवन निर्वाह उत्पादन प्रणाली थी अगेन आई रिपीट नेक्स्ट वर्ड जीवन निर्वाह उत्पादन प्रणाली जीवन निर्वाह उत्पादन प्रणाली मतलब मनुष्य केवल उतना ही उत्पादन कर पाता था जिससे उसका जीवन वर्ण हो सके किसी तरीके से दिन भर चलने के बाद कुछ भोजन का जुगाड़ हो गया जिंदा रख गया बस जिंदा रह सके उससे ज्यादा उत्पादन उससे ज्यादा उत्पादन के लिए शब्द दिया सरप्लस प्रोडक्शन अतिरेक उत्पादन जीवन निर्वाह से ज्यादा उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा था यहां पर संकल्प संपत्ति की संकल्पना नहीं थी प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं थी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी और जब नो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो उस निजी संपत्ति के का कोई स्वामी नहीं था उस निजी संपत्ति के स्वामित्व से कोई वंचित नहीं था कोई वर्ग नहीं था नो प्राइवेट प्रॉपर्टी ध्यान दो प्रारंभिक समाज आदिम साम्यवादी अवस्था जीवन निर्वाह उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन का अभाव निजी संपत्ति का अभाव स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग का अभाव मतलब वर्ग का अभाव नो क्लास वर्ग शोषण का अभाव वर्ग संघर्ष का अभाव कुछ नहीं ना कोई स्वामी था ना कोई बंचित था ना कोई सोशल था ना कोई समझ था यानी वर्ग संघर्ष वर्ग सोशल सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ बाद में शुरू हुआ अगेन आई रिपीट इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस ऑफ सोसाइटी इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज होने के बाद ही सब कुछ होता है उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया और तब सब कुछ हुआ इसलिए समाज के सारे अंगों का निर्धारक उत्पादन प्रणाली पीछे की बात को मैंने दोहरा दिया मार्क्स कहते हैं कि धीरे धीरे उत्पादन प्रणाली में मोड ऑफ प्रोडक्शन में उत्पादन की शक्तियों का विकास हुआ मनुष्य ने अपने हथियार औजार थोड़ा और विकसित कर लिया जंगलों को काटकर ढेर सारा खेत बना लिया लेकिन भी पूरा नहीं बना थोड़ा बहुत बना घुमक्कड़ मक्कड़ खेती अब मीरा खेत कहा लोगों ने कि मीरा खेत अब अतिरिक्त उत्पादन शुरू हो गया उत्पादन की शक्तियों में विकास के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त उत्पादन शुरू हो गया सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो गया जीवन निर्वाह से ज्यादा और यहीं से एक नई घटना का जन्म होता है इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति के अधिकार का उद्भव हुआ समाज के लोगों ने बैठ के एक नियम बनाया कौन नियम बनाया होगा जो कब्जा कर लिया होगा वो बनाया होगा या जो वंचित होगा वो बनाया होगा उत्तर है नियम जिन्होंने कब्जा किया खेतों पर वो बनाया ये मेरी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरी बात मेरे, मेरे पप्पू को होगी मेरे बच्चे को होगी पहली बार इमरजेंसी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ निजी संपत्ति के अधिकार का जन्म हुआ पहली बार यहां स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग का जन्म हुआ पहली बार वर्ग का जन्म इस पहली बार उत्पन्न वर्ग को मार्क्स एग्जाम्पल दास युग के रूप में देता है दास युग का जन्म हुआ यानी आदिम साम्यवादी युग दैनिक दास युग यहां स्वामी कौन था मालिक और वंचित कौन था दास इस युग में तो दास के ऊपर भी मालिक का स्वामित्व का अधिकार होता था खेतों पर तो था ही थोड़ा बहुत जो खेत था जो दास द्वारा उत्पादित वस्तुएं थी उन पर तो था ही दास पर भी मालिक के स्वामित्व तो का अधिकार होता था यहीं आकर इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया हैब्स और हैबनोट्स स्वामी वर्ग वंचित वर्ग यहीं से, यही से वर्ग का इमरजेंस होता है यहीं से वर्ग शोषण की कहानी शुरू होती है क्योंकि तो मार्क्स कहता है कि भाई कोई स्वामी पैदा नहीं लिया है यहीं आकर बना और स्वामी तभी तक यहां एक लाइन ध्यान देने की है आगे हम इसका डिटेल देंगे स्वामी तभी तक स्वामी बना रह सकता है जब तक कि वो वंचित का शोषण करे नहीं तो हम तो सब बराबर पैदा लिए थे आदिम साम्यवाद में तो हम सब बराबर थे हमारे चारों तरफ नेचर था पहाड़ था पेड़ था नदियां थी और सब पर सबका अधिकार था नदी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी पहाड़ और जंगल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी बिल्कुल साम्यवादी अवस्था बराबरी वाली अवस्था सब इस प्रकृति का दोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र थे इमरजेंस और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये अपने आप में शोषण का परिणाम है और जब तक ये रहेगा तब तक शोषण जारी रहेगा मार्क्स ने एक सामान्य नियमों की पहचान की समाज की स्वामी वर्ग जब तक स्वामी रहेगा वो इसीलिए स्वामी रहेगा क्योंकि उसने वंचित का शोषण किया है स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के मध्य के जो संबंध है वो परस्पर विरोधी हितों पर आधारित होते हैं मार्क्स का वाक्य परस्पर विरोधी हितों पर आधारित होते हैं स्वामी वर्ग को अपने स्वामित्व को बनाए रखने के लिए वंचित का शोषण करना ही पड़ेगा मालिक ने दास का शोषण किया वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष भूसामंत कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं क्योंकि आखिर उत्पादन कौन करता है भूसामंत उत्पादन करता है या कृषि मजदूर कृषि मजदूर उत्पादन करता है और उसको सबसे न्यूनतम मिलता है प्रकृति ने तो बनाया था कि भाई ये नेचर है इसमें श्रम का प्रयोग करो उत्पादन करो और जरूरतों को पूरा करो तो असली उत्पादक तो जो श्रम का प्रयोग करते हैं वो है लेकिन भूसामंत मैक्सिमम हड़प लेता है और कहता है कि ये देखो कागज खेत का स्वामी मैं हूं अरे भाई ये कागज और खेत लेकर पैदा नहीं लिए थे ये खेत और कागज शोषण का परिणाम है इस तरह से भूसामंत अगर 80 प्रतिशत रख लेता है मात्र 20 प्रतिशत ही कृषि मजदूरों को देता है मार्क्स कहता है एक्सप्लाइटेशन है ये उसी तरह कारखाना मजदूर ही उत्पादन करता है लेकिन पूंजीपति कारखाना मजदूरों का मैक्सिमम उत्पादन का मैक्सिमम रख लेता है 20 प्रतिशत भी ठीक से मजदूरों को नहीं देता है, है शोषण है स्वामी और वंचित वर्ग के मध्य का जो संबंध होता है वो परस्पर विरोधी हितों पर आधारित होता है जो शोषण को जन्म देता है शोषण पर आधारित होता है और यही वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष को संभव बनाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने स्क्रीन पर वर्ग क्लास उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग की संज्ञा दी जाती है मार्क्स ने वर्ग कहा है जैसे मालिक वर्ग दास वर्ग सामंत वर्ग कृषि मजदूर वर्ग या पुंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग पहला लाइन क्लियर है उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह को मार्क्स ने वर्ग की संज्ञा दी है जैसे पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग आदि दूसरा है वर्ग शोषण क्लास एक्सप्लाइटेशन स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्ग का शोषण स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्ग का शोषण को मार्क्स वर्ग शोषण की संज्ञा देता है को मार्क्स वर्ग शोषण की संज्ञा देता है नेक्स्ट पेज मैं ऊपर का वर्ग चेतना वाला लाइन बाद में कराता हूं पहले नीचे आ जाओ वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष स्वामी एवं वंचित वर्ग के मध्य होने वाला संघर्ष को मार्क्स वर्ग संघर्ष की संज्ञा देता है पढ़ चुके हम लोग स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के मध्य होने वाला संघर्ष को मार्क्स वर्ग संघर्ष करता मैं वर्ग चेतना को स्किप कर रहा हूं ठीक है अभी दिमाग मत लगाओ यहां पर आगे जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे ये और गहराई वाली बात है इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट संकल्पना ध्यान से देखो दो शब्दावली आपके स्क्रीन पर है बच्चा रिवोल्यूशन क्रांति और सर्वहारा क्रांति ये दो संकल्पनाएं भी मार्क्स के विचारों में प्रमुख है वर्ग चेतना को हम छोड़ दिए हैं आगे करेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ो ना मुझे अपने तरीके से कराने दो आपको उतना ही डोज देंगे जितना पचे और फिर धीरे धीरे आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेंगे और पाचन शक्ति को मजबूत करके तब फिर आपको हम खतरनाक खतरनाक चीज खिलाएंगे पिलाएंगे क्रांति रिवोल्यूशन मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष एक ऐतिहासिक घटना है वर्ग शोषण एक ऐतिहासिक घटना है और आज पूंजीवादी युग में भी मैंने पहले भी कहा था कि मार्क्स का फोकस पूंजीवादी युग मार्क्स के समय का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करना था उसकी कमियों को दर्शाना था मार्क्स के समय के समाजवादी पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे दूसरी तरफ कुछ विद्वान विकास के लिए इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को बेहतरीन मानते थे निजी संपत्ति के अधिकार वाली उत्पादन प्रणाली जहां राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए एडम स्मिथ कहते थे यही उत्पादन प्रणाली विकास को त्वरित गति प्रदान करेगा विकास के लिए ये उत्पादन का तौर तरीका बेहतर उत्पादन का तौर तरीका है लेकिन उस समय के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने कई तरह के दुष्परिणामों को जन्म दिया था विकास तो हो रहा था लेकिन विषमता बढ़ रही थी गरीबी बेरोजगारी स्लम्स अर्बनाइजेशन से जुड़ी समस्याएं कर चुके हम लोग समाजवादी इन सभी समस्याओं पर चिंतन शुरू कर दिए थे और इन सभी समस्याओं का कारण आर्थिक विषमता गरीबी को मान रहे थे और आर्थिक विषमता का कारण निजी संपत्ति के अधिकार वाले पूंजीवाद को मानते थे मार्क्स भी समाजवादी विचारधारा को स्वीकार किया इसलिए मार्क्स भी करता है पूंजीवादी युग में भी वो सारी पूंजीवादी युग की जमकर आलोचना करता है वो भी इन सब चीजों के लिए इसी को उत्तरदायी ठहराता है लेकिन देखो अपनी बातों को बड़ा व्यवस्थित तरीके से रखता है इतिहास हर युग की बात करते हुए पूंजीवाद पे आता है उस समय के औद्योगिक समाज पे आता है मार्क्स कहता है इस पूंजीवादी युग में वही उत्पादन प्रणाली में भी दो वर्ग है वर्ग शोषण है वर्ग संघर्ष और चुकी और चुकी प्रत्येक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन एक सार्वभौमिक नियम है परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और द्वंद परिवर्तन का नियम है यही द्वंद दास युग की उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रहा यही द्वंद सामंती उत्पादन प्रणाली से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रहा और आज इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में जो द्वंद है कमियां है अंतर विरोध है ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रहेगा पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली या पूंजीवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था परमानेंट नहीं है परिवर्तन स्वाभाविक है परिवर्तन होगा परिवर्तन होगा कहीं यही प्रकृति का नियम है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निहित द्वंद कमियां अंतर विरोध गड़बडियां ही इसमें परिवर्तन का कारण बनेंगे परिवर्तन कैसे होगा मार्क्स इस बात को समझाने का प्रयास करता परिवर्तन कैसे होगा मार्क्स इसी बात को समझाने का प्रयास करता है और वो कहता है कि इस पूंजीवाद में पूंजीपति श्रमिकों का जमकर शोषण कर रहे हैं। श्रमिकों की हालत बदतर है श्रमिक अपने श्रम से कारखाना में उत्पादन करते हैं, लेकिन ये पापी पूंजीपति उन्हें न्यूनतम जीवन जीने लायक भी नहीं देते हैं फलता बेचारे बहुत बदतर स्थिति में श्रम में रहते हैं वो तो बेचारे अलगावित हो चुके ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी ये नियम है हर युग में वर्ग शोषण रहा है यहां भी वर्ग शोषण है पूंजीपति यहां भी श्रमिकों का शोषण कर रहा है हर युग में इस शोषण का विरोध भी हुआ है यहां भी है श्रमिक वर्ग इस शोषण का विरोध करेगा मार्क्स यहीं पर करते कि भैया यही नियम है जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा शोषण और बढ़ता जाएगा कंपटीशन बढ़ेगा शोषण बढ़ेगा जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा शोषण बढ़ेगा क्योंकि गाज केवल और केवल श्रमिक वर्ग पर गिरेगी तुम करखाना चलाते हो करखाना में सौ रुपया में रॉ मटेरियल पर खर्च करते हो सौ रुपया टेक्नोलॉजी पर खर्च करते हो मशीन पर खर्च करते हो बिजली बिल पर खर्च करते हो और तीन सौ रुपया मजदूरों पर खर्च करते हो पांच सौ रुपया लागत खर्च करते हो और तुम सात सौ रुपया में सामान बेचते हो टर? अचानक तुम्हारे इससे ज्यादा बेहतरीन चीज या तुम्हारी क्वालिटी का ही चीज कोई दूसरा उत्पादक इंडिया में हो रहा आफ्टर ग्लोबलाइजेशन पांच सौ में बेचना शुरू कर देता है आपका तो लागत खर्च है पांच सौ रुपया आप कहां से पांच सौ में बेचोगे आपको कोई फायदा नहीं होगा और आपके छह सौ सात सौ की चीज को कोई क्यों खरीदेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खुली बाजार अर्थव्यवस्था जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा अब तो आपको पांच सौ रुपया ही आपको अपनी कीमत प्रोडक्ट की रखनी होगी पांच सौ रुपया लग करके आपको लाभ भी कमाना है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना होगा राइट अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कहां से मिनिमाइज करोगे सौ रुपया कच्चा माल पे खर्च करते हो वो करना ही पड़ेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तो तुम किसी से लेते हो सौ रुपया टेक्नोलॉजी पे खर्च करते हो उस पर भी आप कटौती नहीं कर सकते हो बच्चा क्योंकि टेक्नोलॉजी और बेहतर करनी होगी दिनों दिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वहां तो सौ की जगह आपको एक सौ पच्चीस करना होगा तभी आप अपने कंपटीटर के क्वालिटी का उत्पाद उत्पादित कर पाओगे तो फिर आप कहां कम करोगे लागत खर्च आप लागत खर्च जो श्रमिक पर 300 खर्च कर रहे हो कोई ना कोई तिकड़म लगा करके आप उस श्रमिक पर डेढ़ सौ खर्च सीमित करने का प्रयास करोगे तो सौ रुपया कच्चा माल पे सवा सौ रुपया टेक्नोलॉजी पे और डेढ़ सौ या एक सौ पचहत्तर रुपया श्रमिक पे चार सौ रुपया लागत खर्च आपने मिनिमाइज कर लिया अब पांच सौ में बेचोगे तो सौ रुपए का आपका फायदा होगा प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से मार्केट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी में गाज किस पर गिरी श्रमिक पर गिरी ये आज भी है ये आज भी है अगर थोड़े पढ़ते हो आप सुलझे हुए हो थोड़ा पढ़ो मजा आएगा यूपीएससी देने में तैयारी करने में एक होलिस्टिक नॉलेज डेवलप करो आपका जनरल स्टडीज मैंने बार बार कहा पिछले क्लास में भी कहा है कि विभिन्न वैकल्पिक विषयों का एक योग है एक होलिस्टिक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए कोरिलेट करने की क्षमता होनी चाहिए मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस बाजार अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के विकास के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा शोषण बढ़ेगा और इस प्रतिस्पर्धा और शोषण में धन का संकेद्रण भी होगा कल भी मैंने एक राउंड बताया था जो बहुत बड़ा पूंजीपति है वो अपने पूंजी को के बल पर और पूंजी बढ़ाने का प्रयास करेगा वो अचानक बाजार में अपने प्रोडक्ट का दाम एकदम कम कर देगा इतना कम कर देगा कि एक लंबे समय तक छोटे पूंजीपतियों के लिए सरवाइव करना कठिन हो जाएगा छोटे पूंजीपति तबाह हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी पूंजी बड़े पूंजीपतियों के पास संकेद्रित हो जाएगी जो सौ करोड़ वाला है वो 110 करोड़ वाला हो जाएगा और जो 10 लाख वाला है वो जीरो हो जाएगा वो दस लाख उसके पास चला जाएगा धन का यही है संकिंद्रण पूंजीवाद के विकास के साथ शोषण में वृद्धि होगी धन का संकिंद्रण होगा पूंजी का संकिंद्रण होगा छोटे छोटे पूंजीपति भी गरीब होकर मजदूर वर्ग में शामिल हो जाएंगे मजदूर वर्ग में शामिल हो जाएंगे मजदूर को मार्क्स सर्वहारा कहता है मजदूर को मार्क्स सर्वहारा कहता है पूंजीवाद के विकास के साथ जब छोटे छोटे पूंजीपति गरीब होकर मजदूर वर्ग में सर्वहारा वर्ग में शामिल होंगे मार्क्स इसको सर्वहाराकरण करण कहता है सर्वहाराकरण सर्वहाराकरण करण सर्वहाराकरण करण करण इस तरह से पूंजी कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में संकेंद्रित हो जाएगी अब मुट्ठी भर पूंजीपति बचेंगे एक तरफ मुट्ठी भर पूंजीपति और एक तरफ लाखों की संख्या में मजदूर लाखों की संख्या में मजदूर समाज दो वर्गों में पोलराइज हो जाएगा समाज दो वर्गों में ध्रुवीकृत हो जाएगा मार्क्स इसको वर्ग ध्रुवीकरण कहता है क्लास पोलराइजेशन कहता है पूंजीवाद के विकास के साथ पूंजी का संकेंद्रण शोषण में वृद्धि पुज्जी का संकिरण सर्वहाराकरण बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट शब्दावली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर्वहाराकरण वर्ग ध्रुवीकरण क्लास पोलराइजेशन क्लास पोलराइजेशन वर्ग ध्रुवीकरण होगा और तब जाकर जो छोटे छोटे पूंजीपति थे जो मजदूर वर्ग में शामिल हो गए उनको बहुत ज्यादा आइडिया है अब तक वो पुंजीपति थे तो दो बातें थे और मजदूर बन गए तो मजदूरी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी स्वाभाविक सी बात है और चूंकि पहले पूंजीपति थे तो पुंजीपतियों के सारे तिकड़म से अवगत थे सारे तिकड़म से अवगत थे इसलिए वो मजदूरों को जाकर जागरूक करेंगे मजदूरों को लीड करेंगे मजदूरों को बताएंगे कि हे मजदूर तुम्हारी हमारी बदतर स्थिति का कारण ये पूंजीपति है ये पूंजीवादी व्यवस्था है उनको जागरूक करेंगे उनको अपनी बदतर स्थिति के बारे में बताएंगे उसके कारणों के बारे में बताएंगे वो उनको बताएंगे कि इसका कारण पूंजीपति है यह पूंजीवादी व्यवस्था है यह निजी संपत्ति के अधिकार वाली पूंजीवादी व्यवस्था है धीरे धीरे इन मजदूर वर्गों में जागरूकता आएगी इसी का एक रूप है वर्ग चेतना जो पीछे हमने स्किप किया वर्ग चेतना थोड़ा और है गहराई वाली चीज है मोटा मोटी अभी जागरूकता समझो मजदूर वर्गों में जागरूकता आएगी उनको लीड करने वाले जो उनके लीडर हैं उनको बताएंगे कि ये पूंजीपति करखाना लेकर पैदा नहीं लिया था हमारे यहां जो वामपंथी उग्रवाद का आंदोलन होता है ना मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित होता है और वहां के जो लीडर होते हैं उनके मजदूरों को बुलाकर यही कन्विंस करते हैं कि ये भूपति खेत लेके पैदा नहीं दिया था गजेंद्र सिंह भानु प्रताप सिंह पांच सौ एकड़ खेत खेत इसके बाप की नहीं है ये तुम्हारे बाप दादाओं की खेत है जिसको शोषण से इसने हासिल कर लिया है खेत तो नेचर का है और नेचर पर सबका समान अधिकार है भूस्वामी बन गया शोषण के परिणाम स्वरूप उत्पादन तो तुम करते हो उत्पाद पर अधिकार तुम मजदूरों का होना चाहिए लेकिन इस पापी भूस्वामी ने तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया जोते बोए काटे धान खेत का मालिक वही किसान जोते बोए काटे धान खेत का मालिक वही किसान ये भारत में नक्सलवादी आंदोलन का एक नारा है मार्क्स कहते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था में इन मजदूरों को अवेयर किया जाएगा कि करखाना के उत्पादक तुम हो करखाना में तुम वस्तुओं को उत्पादित करते हो इन वस्तुओं पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए लेकिन इनमें से बीस प्रतिशत भी तुमको नहीं मिलता है सब पर ये पूंजीपति कब्जा कर लेता है एक शोषण है एक्सप्लाइटेशन है और तुम बदतर जिंदगी स्लम्स में बैठकर जी रहे हो इस जिंदगी का क्या मतलब है मजदूरों कौन बोलेगा नेता बोलेगा उनका मजदूरों क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए और तुम्हारे अधिकारों को छीन कर यह पूंजीपति बना बैठा है कुत्ते को बिस्किट खिलाता है मार्क्स का यह लाइन है सवाल इस पर पूछा जाता है तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है मजदूरों जागो अपने अधिकार को पहचानो उठा लो कट्टा काट डालो इन पूंजीपतियों को बदल डालो इस व्यवस्था को जो शोषण पर आधारित है बदल डालो इस निजी संपत्ति के अधिकार वाली व्यवस्था को जो शोषण पर आधारित है जो तुम्हारी बदतर जिंदगी का कारण है मार्क्स भविष्यवाणी करते हैं अपने इस सिद्धांतों में अपने विश्लेषण में वो कहते हैं कि धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग में जागरूकता आएगी सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना का विकास होगा और तब सर्वहारा वर्ग संगठित होकर इन पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध इस पूंजीपतियों के विरुद्ध एक हिंसक क्रांति करेगा ये होगा हर चीज पर कब्जा कर लिया जाएगा कारखाना पर मजदूरों का कब्जा होगा बैंक पर मजदूरों का कब्जा होगा पूंजीपतियों के घर पर मजदूरों का कब्जा होगा सब जगह जितनी संपत्ति है पूंजीपति लड़ने आएंगे मारे जाएंगे उनकी संख्या बहुत सीमित है उनके तरफ से राज्य की पुलिस आएगी क्योंकि राज्य की पुलिस भी उन्हीं की है वो भी मारी जाएगी क्यों क्योंकि मजदूरों की संख्या लाखों में है क्लास पोलराइजेशन हो चुका है एक तरफ मुठ्ठी भर पूंजीपति है इतनी कम संख्या है इनकी कि ये सारे मजदूर इनकी तरफ मुंह करके फूक मारे तो ये उड़ जाए ये मजदूरों की ताकत उसकी संख्या है कौन बताएगा नेता बताएगा और धीरे धीरे मजदूरों में वर्ग चेतना का विकास होगा मजदूर संगठित होंगे और संगठित होकर एक हिंसक क्रांति करेंगे सब जगह सब चीजों पर कब्जा जीत मजदूरों की होगी कुछ दिनों तक सभी चीजों पर उत्पादन के सभी साधनों पर इन मजदूरों का कब्जा हो। मजदूरों का डिक्टेटरशिप होगा मार्क्स इसको एक अवस्था मानता है मार्क्स इसको एक नाम देता है मजदूरों के अधिनायकत्व की अवस्था सर्वहारा के अधिनायकत्व की अवस्था डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरिएट ये ट्रांजिशनल फेज होगा थोड़े दिनों का फेज होगा शुरुआत में क्योंकि क्रांति मजदूरों ने किया है सब चीजों पे मजदूरों का कब्जा मजदूरों का डिक्टेटरशिप मजदूर कहेगा पूंजीपतियों से कि काम कर नहीं करेगा मारा जाएगा धीरे धीरे पूरी संपत्ति पर मजदूर कब्जा कर लेंगे और होगा कि भाई सब जो काम करेगा उसी को मिलेगा सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा और सबकी जरूरतों को आवश्यकताओं को समाज पूरा करेगा यानी ट्रांजिशनल फेज ऑफ ऑपरिटेरिएट सरभारा के आधिनायकत्व की अवस्था मजदूरों के डिक्टेटरशिप की अवस्था फिर धीरे धीरे ना कोई स्वामी रहेगा ना कोई पूंजीपति रहेगा ना कोई वंचित रहेगा ना कोई श्रमिक रहेगा धीरे धीरे सब चीज पर समाज का स्वामित्व तो हो जाएगा पहले तो मजदूरों का स्वामित्व फिर पूरे समाज का स्वामित्व तो, सामूहिक स्वामित्व तो की स्थापना होगी ठीक उसी तरह जिस तरह प्रारंभिक दिनों में थी आदिम साम्यवादी अवस्था में सामूहिक स्वामित्व तो की स्थापना के साथ निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट समाप्त प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट समाप्त होने से ना कोई स्वामी ना कोई वंचित ना कोई हैब्स ना कोई हैब नोट्स वर्ग विहीन समाज हो जाएगा और जब वर्ग विहीन समाज होगा तो शोषण विहीन समाज हो जाएगा क्योंकि स्वामी पर वंचित जब तक रहेंगे शोषण बना रहेगा जब शोषण खत्म होगा वर्ग शोषण खत्म होगा तो वर्ग संघर्ष भी खत्म हो जाएगा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी सब लड़ाई झगड़ा का कारण यही है इकोनॉमिक सिस्टम एक्सप्लाइटेशन नो संघर्ष संघर्ष विहीन समाज यह समाज मार्क्स कहता है एक आइडियल समाज होगा यहां सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा सबको काम करना होगा और सबकी आवश्यकता को समाज पूरा करेगा सबको आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा सब मिलकर प्रकृति का दोहन करेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और बिना किसी लड़ाई झगड़ा संघर्ष के सब मिलकर रहेंगे मिलकर रहेंगे मार्क्स ने इस अंतिम अवस्था को साम्यवाद नाम दिया आदिम साम्यवाद साम्यवाद इसीलिए सर्वहारा क्रांति को साम्यवादी क्रांति की संज्ञा भी जा दी जाती है सरभारा क्रांति को साम्यवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है यह साम्यवाद समाज का आदर्श रूप होगा हमेशा याद रखो जितने भी परिवर्तनवादी सिद्धांतकार हैं उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना करी है जब आप किसी चीज की आलोचना करते हो हम कहें आप में ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं तो हमें बताना होगा कि क्या ठीक क्या ठीक जब आप किसी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते हो तो एक आइडियल टाइप व्यवस्था को आपको प्रस्तुत करना होगा गांधी जी ने जब अंग्रेजी औपनिवेशिक शासनकाली व्यवस्था को, को क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना को रखा राम राज्य कार्ल मार्क्स ने जब पूंजीवादी समाज को क्रिटिसाइज किया तो उसके लिए एक आदर्श समाज की परिकल्पना को प्रस्तुत किया साम्यवाद साम्यवाद यही है मार्क्स का ओवरऑल विचार जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया इस कॉल मार्क्सिज्म अब इसी बात को कहने के लिए मार्क्स ने अलग अलग शब्दों का सहारा लिया अलग अलग कंसेप्ट तो जो बड़ा कंसेप्ट है वो अपने आप में सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अलगाव का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है उत्पादन प्रणाली का विचार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत ओवरऑल के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद कल से लेके आज तक आगे तक का इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर व्याख्या लगभग समझ में आ चुका होगा तो हम लोग फिर से एक बार स्क्रीन को देखते हैं ठीक है आपके सामने सबसे ऊपर है क्रांति एक क्रांति को आप समझ लो जनरली क्रांति का मतलब होता है अचानक परिवर्तन क्रांति हमेशा परिवर्तन को दर्शाता है क्रांति की संकल्पना पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज के लिए सर्वप्रथम यूज की गई क्रांति के अंतर्गत चार तत्वों को शामिल किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आमूल चूल बदलाव आमूल चूल का मतलब कंप्लीट चेंज थोड़ा बहुत नहीं सुधार के रूप में नहीं कंप्लीट चेंज अचानक चेंज और हिंसा के द्वारा चेंज अगेन आई रिपीट फोर एलिमेंट्स ऑफ रिवोल्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज कंप्लीट चेंज त्वरित त्वरित तेजी से बहुत अचानक और तेजी से परिवर्तन और चौथा है हिंसक परिवर्तन मार्क्स जब क्रांति को डिफाइन करता है तो पॉलिटिकल सिस्टम के जगह वो इकोनॉमिक सिस्टम पर फोकस करता है तो मार्क्स के अनुसार क्रांति का मतलब होता है इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज मोड ऑफ प्रोडक्शन में बहुत तेजी से त्वरित चेंज मोड़ ऑफ़ प्रोडक्शन में कंप्लीट चेंज, आमूलचूल परिवर्तन मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज इकोनॉमिक सिस्टम में कंप्लीट चेंज आमूल परिवर्तन पूर्ण परिवर्तन त्वरित तेजी से चेंज और हिंसा के द्वारा चेंज तो मार्क्स की क्रांति की संकल्पना में ये चार तत्व हैं आपके सामने स्क्रीन पर है समाज की उत्पादन प्रणाली समाज की उत्पादन प्रणाली आर्थिक व्यवस्था में होने वाला अमूलचूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है मैं कुछ बातें ज्यादा बता दिया क्योंकि आगे हम लोग इस चीज को और समझेंगे दूसरी संकल्पना है सर्वहारा क्रांति सर्वहारा क्रांति मार्क्स इस क्रांति को साम्यवादी क्रांति भी कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध होने वाली हिंसक क्रांति कौन करेगा श्रमिकों द्वारा की जाएगी मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी अगेन आई रिपीट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध होने वाली हिंसक क्रांति जो श्रमिकों के द्वारा की जाएगी जो श्रमिकों के द्वारा की जाएगी बिल्कुल क्लियर है कुछ और शब्द फटाफट -पत देखते जाओ सर्वहारा का अधिनायकत्व मैं बता चुका हूं अभी जस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलोटेरिएट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलोटेरिएट साम्यवादी क्रांति के बाद की अवस्था बाद की अवस्था सरभारा क्रांति हुई उसके बाद की अवस्था कमी जहां उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का अधिकार होगा ट्रांजिशनल फेज है बच्चा है, बीच में आएगा और तब जाके साम्यवाद आएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स साम्यवादी क्रांति के बाद की अवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का अधिकार होगा डन दूसरा है सर्वहारा इस शब्द का मतलब आपके दिमाग में मैं इंजेक्ट कर चुका हूं प्रोलोटेरिएट श्रमिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नतम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला वर्ग मार्क्स ने इन्हीं को सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी है अर्थात श्रमिक वर्ग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नतम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला वर्ग उच्चतम नहीं उच्चतम को मार्क्स ने ब्रजुआ कहा पूंजीपतियों को मार्क्स ने ब्रजुआ कहा ब्रजुआ इसलिए कहा क्योंकि तो मैं पहले भी बताया था कि मध्यकाल में कौन थे व्यापारी दुकानदार थे बॉटम से जस्ट बॉटम में कृषि मजदूर और व्यापारी दुकानदार यही व्यापारी दुकानदार व्यापारी बने यही पूंजीपति बने उद्योगपति बने और उस समय उनको बुर्जुआ कहा जाता था मार्क्स ने पूंजीपतियों को बुर्जुआ और मजदूरों को सर्वहारा कहा अगेन आई रिपीट सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नतम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग नेक्स्ट ब्रजुआ, बिल्कुल क्लियर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के सभी साधनों का स्वामी होता है स्वामी वर्ग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के सभी साधनों का स्वामी होता है सामान्य संकल्पनाएं हो गई अब इससे जुड़ी हुई कुछ विचारधाराएं और मुझे लगता है कि अब केवल हमको रीडिंग डालने की जरूरत है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है द्वंद्ववाद डायलेक्टिज्म क्लियर बच्चा द्वंद्ववाद एक विचारधारा देना कई बार सिद्धांत और विचारधारा पर्यायवाची यूज किया जा सकता है कि जब किसी सिद्धांत को ढेर सारे लोग अपने विचारों में स्वीकृति दे दे तो विचारधारा भी कहलाती है एक विचारधारा भी कह सकते हो सिद्धांत भी कह सकते हो एक सिद्धांत जो प्रत्येक तत्व में निहित होता है एक सिद्धांत यहां थोड़ा सा वाक्य विन्यास गलत हो गया है बच्चा एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि यहां थोड़ा सुधार दो एक सिद्धांत मैं यहां लिख दू एक सिद्धांत एक सिद्धांत जो मानता है कि प्रत्येक तत्व में द्वंद्व या अंतर विरोध निहित है एक सिद्धांत जो मानता है कि प्रत्येक तत्व में द्वंद्व या अंतर विरोध निहित है और यह अंतर्विरोध एवं द्वंद या संघर्ष ही परिवर्तन को संभव बनाता है एक सिद्धांत जो मानता है कि प्रत्येक तत्व में द्वंद या अंतर विरोध निहित होता है और यह द्वंद और अंतर विरोध को ही परिवर्तन का कारण मानता है यह सिद्धांत यह सिद्धांत अंतर विरोध एवं संघर्ष को ही परिवर्तन का कारण मानता है अब बिल्कुल वाक्य कॉम्युनिकेटिव हो गया एक सिद्धांत जो मानता है कि प्रत्येक तत्व में द्वंद या अंतर विरोध निहित है यह सिद्धांत अंतर्विरोध एवं द्वंद या, या संघर्ष को ही परिवर्तन का कारण मानता है यह सिद्धांत की मान्यता है कि यह द्वंद और अंतरविरोध कमियां गड़बड़ियां ही हर तत्व में प्रत्येक चीज में परिवर्तन को संभव बनाती है क्लियर नेक्स्ट आदर्शवाद आदर्शवाद आइडियलिज्म आदर्शवाद और भौतिकवाद मैं समझा चुका हूं एक एक लाइन में इसका डिफिनेशन देख लो एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं सभी वस्तुएं विचार पर आधारित है एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं विचार पर आधारित होती है आइडिया सबके मूल में है आइडिया या विचार सार तत्व तो है सभी वस्तुएं इसी आइडिया या विचार की अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति क्लियर है भौतिकवाद मेटलिज्म बता चुका हूं एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं पदार्थ मैटर पर आधारित होती है मैं अच्छा कल समझा दिया था अर्थात जगत पदार्थ की अभिव्यक्ति है जगत के मूल में मैटर में है मैटर जो है वो बेस ऑफ जगत है सोसाइटी है वर्ल्ड है इसी पर सब कुछ टिका हुआ है अगेन आई रिपीट आइडियलिज्म एक सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं विचार पर आइडिया पर आधारित होती है भौतिकवाद मेटलिज्म एक सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं पदार्थ मैटर पर आधारित होती है राइट right? द्वंदात्मक आदर्शवाद डायलेक्टिकल आइडियलिज्म मैं बता चुका हूं कल मैं कल बता चुका हूं द्वंदात्मक आदर्शवाद के बारे में हीगल याद आया हिगल द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत हिगल एक आदर्शवादी विचारक था वो मानता था कि जगत के मूल में आइडिया है हिगल ने द्वंद्ववाद को स्वीकार किया उसने भी माना कि परिवर्तन का कारण द्वंद्व है द्वंद्व के नियमों के कारण ही परिवर्तन होता है और हिगल ने द्वंद्ववाद की मान्यताओं और आदर्शवाद की मान्यताओं को संयुक्त करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया इस कॉल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जिसमें हिगल ने कहा कि जगत के मूल में आइडिया है जगत आइडिया की अभिव्यक्ति है द्वंद्ववादी नियमों के कारण आइडिया में निरंतर परिवर्तन होता है और आइडिया में परिवर्तन के साथ जगत में भी परिवर्तन हो जाता है जगत में भी परिवर्तन और विकास हो जाता है मार्क्स ने हिगल के इस डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को खारिज किया मार्क्स भौतिकवादी था मार्क्स ने भौतिकवाद को स्वीकार किया मार्क्स ने इस बात को स्वीकार किया कि जगत के मूल में आइडिया नहीं मैटर है पदार्थ है जगत पदार्थ की भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्ति है और पदार्थ कभी भी स्थिर नहीं रहा ध्वंदवादी नियमों के कारण इस पदार्थ में निरंतर परिवर्तन और विकास होता रहा है और चूंकि जगत पदार्थ की अभिव्यक्ति है इसलिए पदार्थ में परिवर्तन और विकास से जगत में भी परिवर्तन और विकास होता रहा है जगत में परिवर्तन और विकास का कारण मैटलिस्टिक है पदार्थ में परिवर्तन और विकास है मैटर में परिवर्तन और विकास है बिल्कुल क्लियर तो रिपीट द्वंदात्मक आदर्शवाद द्वंदात्मक आदर्शवाद डायलेक्टिकल आइडियलिज्म हीगल द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत हीगल द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत जो विचारों में द्वंद्ववादी नियमों के कारण विचारों में ध्यान से देखो विचारों में द्वंद्ववादी नियमों के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर जगत के परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या करता है जगत के परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या करता है अगेन आई रिपीट द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत जो विचारों में द्वंदवादी नियमों के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर जगत के परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या करता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मेटलिज्म मार्क्स द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत मार्क्स द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत जो जो भौतिक तत्वों में द्वंद्वादी नियमों के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर आधार पर जगत के परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या करता है जगत के परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या करता है अगेन रिपीट द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत जो भौतिक तत्वों में द्वंद्वादी नियमों के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर जगत के परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या प्रस्तुत करता है अगला दो शब्द यहां पर और हम देख ले बच्चा फटाफट ये दो शब्द है इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल मैथिजम सामान्य अर्थों में इतिहास का मतलब क्या होता है कल से लेकर आज तक की घटनाओं का विवरण कल से लेकर आज तक की घटनाओं का विवरण प्रारंभ में पॉलिटिकल सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं कल से आज तक उन्हीं को इतिहास में व्याख्यात किया जाता था अब तो इतिहास में कल से आज तक आर्थिक व्यवस्था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुगलकालीन अर्थव्यवस्था सब सब चीज देखा जाता है सामाजिक आर्थिक इतिहास भी होता है केवल राजनीतिक इतिहास ही इतिहास में केंद्र में नहीं होता मार्क्स ने समाज के आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास कैसे हुआ और इस परिवर्तन और विकास का क्या परिणाम रहा इसका जो विवरण है इसी को इतिहास कहा इतिहास का मतलब कल से लेकर आज तक समाज के उत्पादन प्रणाली में क्या चेंजेस आए कैसे उत्पादन प्रणाली विकसित हुई दास युग की उत्पादन आदिम साम्यवादी युग की उत्पादन प्रणाली कैसी थी फिर दास युग की उत्पादन प्रणाली कैसी है सामंती युग की उत्पादन प्रणाली कैसी रही औद्योगिक उत्पादन प्रणाली कैसे और इनका क्या परिणाम रहा इसका जो विवरण है इस कॉल हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मार्क्स यही है इतिहास मतलब मार्क्स इतिहास को आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास और उसके परिणामों के विवरण के रूप में देखता है इतिहास बहुत से लोग राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास का विवरण मानते हैं बहुत से लोग राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सभी व्यवस्थाओं में विकास परिवर्तन का विवरण मानते हैं मार्क्स समाज के आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास और उसके परिणामों का विवरण मानता ये यह विवरण है कल से लेके आज तक के इसलिए मार्क्स के इतिहास की व्याख्या में बच्चा इकोनॉमिक सिस्टम में परिवर्तन और विकास की व्याख्या भी शामिल है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन और विकास की व्याख्या भी शामिल है सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भी है यही है हिस्ट्री और मार्क्स ने इसी की व्याख्या जो प्रस्तुत की और दिखाया कि कैसे समाज के उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास ने समाज को प्रभावित किया समाज में परिवर्तन और विकास को निर्धारित किया मार्क्स के इसी विश्लेषण को इसी सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा दी जाती है हिस्टोरिकल मेटलिज्म इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण कल से लेकर आज तक का भौतिकवादी विश्लेषण कल से लेकर आज तक का उत्पादन प्रणाली के आधार पर विश्लेषण कल से लेकर आज तक यानी इतिहास का उत्पादन प्रणाली के, के, के आधार पर विश्लेषण इतिहास का उत्पादन प्रणाली के आधार पर विश्लेषण इतिहास का भौतिक तत्वों उत्पादन प्रणाली क्या है भौतिक तत्वों के आधार पर विश्लेषण कॉल हिस्टोरिकल मेटलिज्म हिस्टोरिकल मेटलिज्म हम लोगों का एक टॉपिक है इसको हम लोगों को पढ़ना है यही है ऐतिहासिक भौतिकवाद आपके सामने स्क्रीन पर इतिहास मार्क्स के शब्दों में इतिहास का अर्थ मानव समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास का विवरण इतिहास कहलाता है नॉर्मल यही है मानव समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास का विवरण इतिहास कहलाता है मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के विकास एवं इसके परिणाम के विवरण को इतिहास कहा है डन मानव समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास का विवरण इतिहास कहलाता है मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली में विकास एवं इसके परिणामों के विवरण को इतिहास की संज्ञा दी है ऐतिहासिक भौतिक बात हिस्टोरिकल मेटलिज्म भौतिक तत्वों मैटर अर्थात उत्पादन प्रणाली आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के आधार पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास के आधार पर इतिहास की या सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा दी जाती है यह संकल्पना कार्ल मार्क्स की है या कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत है जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने भौतिक तत्वों या इकोनॉमिक सिस्टम उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास के आधार पर इतिहास या सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को प्रस्तुत किया है डन नेक्स्ट अब बहुत सहज है बच्चा अब कहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं है अलगाव बता चुका हूं मार्क्स के शब्दों में अलगाव का अर्थ एक नजर डालो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की दयनीय स्थिति को अभिव्यक्त करने वाला शब्द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान देना मार्क्स ने अलगाव की संकल्पना को केवल कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के संदर्भ में यूज किया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यूज किया है मार्क्स कहता है कि दास युग में सामंती युग में अलगाव का उद्भव तो हुआ था लेकिन पूर्ण रूप में अलगाव की संकल्पना का प्रयोग वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की दयनीय स्थिति को दर्शाने के लिए प्रस्तुत करता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की दयनीय स्थिति को अभिव्यक्त करने वाला शब्द यह एक संकल्पना एक कंसेप्ट है जहां जहां कारखाना के श्रमिक जटिल श्रम विभाजन जटिल श्रम विभाजन मतलब काम को एक ही काम को कई लोगों में बांट कर करवाना जटिल श्रम विभाजन एवं शोषण के कारण जीवन के मूलभूत पक्षों से कट जाते हैं कट जाते हैं अलगावित हो जाते हैं अलग थलग हो जाते हैं जीवन के मूलभूत पक्षों से बिल्कुल कट से जाते हैं अब उनको जीवन से भी रुचि नहीं रह जाती है बस वो एक मशीन के पार्ट की तरह घिसते रहते हैं घिसते रहते हैं इस कॉल एलिनेशन मार्क्स ने दर्शाया है कि कैसे अलगावित हो गया है मजदूर इस पूंजीवादी समाज में इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में अलगावित हो गया है मतलब दशाओं का विवरण चित्रण अगेन आई रिपीट अलगाव एलिनेशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की दयनीय स्थिति को अभिव्यक्त करने वाला शब्द अलगाव कहलाता है जहां कारखाना के श्रमिक जटिल श्रम विभाजन एवं शोषण के कारण जीवन के मूलभूत पक्षों से कट जाते हैं कट जाते हैं यहां दो और शब्द आ रहा है मैं नीचे वाले शब्दावली को थोड़ा एक बार समझाना उचित समझा बता चुका हूं ऐसे साम्यवाद और समाजवाद ध्यान रहे इसके पहले हम समझे तो पूंजीवाद पूंजीवाद को हम एक आर्थिक व्यवस्था के मॉडल के रूप में देख सकते हैं पूंजीवाद इकोनॉमिक सिस्टम का एक रूप है पूंजीवाद को हम एक विचारधारा के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि इस रूप का समर्थन करने वाले विचारों के पुंज को हम विचारधारा कहेंगे जो जो लोग पूंजीवाद को समर्थित करते हैं जो जो लोग इस स्वरूप को इस मॉडल को आर्थिक विकास में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है यूरोप में औद्योगिक क्रांति निजी उद्यमियों के द्वारा शुरू की गई निजी उद्यमियों ने लाभ के लिए मशीनों से उत्पादन करना शुरू किया बहुत से लोगों ने इस तरीके को सपोर्ट किया उनका कहना था कि जब तक निजी उद्यमियों को लाभ नहीं होगा तब तक वो जम के मेहनत नहीं करेंगे सरकारी कारखाने में जम के हम मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि चाहे जितना भी उत्पादन हो उससे हमको क्या लाभ है प्राइवेट सेक्टर जी जान लगा देता क्योंकि अधिक लाभ उसकी पूंजी को बढ़ाता है तो प्रॉफिट एक ऐसा मोटिवेशनल फोर्स है जो हमें जी जान से मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है इसलिए एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आर्थिक क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्तियों को फ्रीडम दो निजी संपत्ति का अधिकार प्रदान करो जम क्यों मेहनत करेगा अपनी पूंजी को लाभ को बढ़ाने के लिए मेहनत करेगा धनी बनने के लिए मेहनत करेगा और धनी बन जाएगा जब वो धनी बन जाएगा तो समाज धनी बन जाएगा सारे धनी बन जाएंगे समाज का विकास चाहिए आर्थिक विकास चाहिए तो आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए लिस इज फेयर पूंजीवादी विचारधारा के जितने भी समर्थक हैं वो आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य के हस्तक्षेप को डिनाई करते हैं पहली बात पूंजीवादी विचारधारा के जितने भी समर्थक हैं वो निजी संपत्ति के अधिकार वाली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं दूसरी बात वो लाभ उन्मुख आर्थिक क्रियाकलापों का समर्थन करते हैं तो पूंजीवाद एक विचारधारा है जो एक ऐसे आर्थिक व्यवस्था को सपोर्ट करता है या जिसकी मान्यता है कि आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के निजी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए ताकि लाभ उन्मुख उत्पादन करे धनी हो इस तरह सभी आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हुए लोग धनी होंगे उनका आर्थिक विकास होगा देश का आर्थिक विकास होगा अगर हम पूंजीवाद को एक अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में देखते हैं, तो वही यूरोप वाली औद्योगिक क्रांति के बाद जो विकसित हुआ रूप आर्थिक व्यवस्था का ऐसा रूप जहां उत्पादन के सभी साधनों पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता है पॉइंट नंबर वन जहां उत्पादन की समस्त प्रक्रिया पर निजी उद्यमियों का नियंत्रण होता है जहां निजी उद्यमियों के आर्थिक क्रियाकलाप लाभ उन्मुख होते हैं वो लाभ के लिए उत्पादन करते हैं अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए उत्पादन करते हैं और उनके आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है होता भी है तो न्यूनतम होता है नहीं होता है आर्थिक व्यवस्था के इसी मॉडल को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं क्लियर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लाभ यहां लोग अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं इसलिए यहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा होता है पूंजीवादी व्यवस्था की हानि प्रमुख लाभ प्रमुख हानि यहां उद्यमी या पूंजीपति का एक ही उद्देश्य होता है लाभ बढ़ाओ लाभ बढ़ाओ लाभ बढ़ाओ और इस चक्कर में वो अपने श्रमिकों का शोषण जिससे आर्थिक विषमता बढ़ती है अमीर अमीर होते हैं गरीब गरीब होते हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हानि ग्रोथ रेट ज्यादा होता है यूरोप में इसी आर्थिक व्यवस्था के रूप को मार्क्स ने पूंजीवाद नाम दिया यहां ग्रोथ रेट तो रहा लेकिन डिस्पैरिटी बढ़ी गरीबी बढ़ी स्लम्स का विकास हुआ टेस्ट 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 बढ़ चुके और फिर एक बुद्धिजीवियों का वर्ग इसका विरोध करने लगा उसने इस डिस्पैरिटी का विरोध किया गरीबी का विरोध किया और इससे उत्पन्न बाकी सारी समस्याओं का विरोध किया स्लम्स का कारण गरीबी है और उसने कहा कि आर्थिक समानता को स्थापित करके ही इन सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस निजी संपत्ति के अधिकार वाले लाभ उन्मुख उत्पादन वाली पूंजीवादी व्यवस्था को खारिज करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके समाप्त करके पूंजीवाद को समाप्त करके एक आर्थिक समानता से युक्त व्यवस्था को स्थापित करना होगा आर्थिक समानता को लाकर के ही सभी समस्याओं का उन्मूलन संभव है समाजवादी समाज इज कॉल्ड सोशलिस्ट सोसाइटी समाजवादी समाज एक समतामूलक समाज को स्थापित करना होगा तभी जाकर के समस्याओं का उन्मूलन संभव होगा समाजवाद एक विचारधारा है इस रूप में ऐसे ढेर सारे लोगों ने विचार दिया बहुत सारे लोग इस पर सहमत हुए विचारधारा बना समाजवाद एक विचारधारा है जो पूंजीवाद का विरोध करता है समाजवाद एक विचारधारा है जो सभी समस्याओं के मूल में इस लाभ उन्मुख उत्पादन प्रणाली निजी संपत्ति के अधिकार वाली उत्पादन प्रणाली पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को मानता है इसमें निहित आर्थिक विषमता को मानता है और वह इसको खत्म करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करने पर बल देता है ताकि समस्याओं को समाप्त किया जा सके एक विचारधारा के रूप में इसको हम समाजवाद कहते हैं ऐसा कोई समाज या उस समाज का इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक मॉडल जहां उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व नहीं होता है राज्य का स्वामित्व होता है जहां लाभ के लिए पूंजी बढ़ाने के लिए उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि राज्य के नेतृत्व में नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। जहां सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है और जहां सबको काम के अनुसार वेतन दिया जाता है ऐसे ही उत्पादन प्रणाली को समाजवादी उत्पादन प्रणाली कहा जाता है सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन सो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और इसके विरोध में जो एक नए मोड ऑफ प्रोडक्शन की परिकल्पना की गई सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन समाजवाद समाजवादी उत्पादन प्रणाली समाजवादी विचारधारा समझ में आ गया होगा मैंने पहले भी कहा था मार्क्स भी एक समाजवादी था लेकिन मार्क्स ने समाजवादियों से थोड़ा हटके विचार दिया सिमिलरिटी क्या थी मार्क्सवाद और समाजवाद में मार्क्स ने भी समाजवादियों की तरह पूंजीवाद का विरोध किया मार्क्स ने भी सभी समस्याओं का कारण आर्थिक विषमता गरीबी को माना और आर्थिक विषमता गरीबी का कारण निजी संपत्ति के अधिकार वाले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना समाजवादियों की तरह मार्क्स ने भी कहा कि इस आर्थिक विषमता को समाप्त करके और आर्थिक समानता को ला करके ही सभी समस्याओं का समाधान संभव है मार्क्स ने भी समाजवादियों की तरह कहा कि इस आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए जरूरी है निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया जाए पूंजीवाद को खत्म कर दिया जाए निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म करके पूंजीवाद को खत्म करके ही आर्थिक समानता को लाया जा सकता है तभी सभी समस्याओं का समाधान संभव है ये चार बिंदु समाजवाद और मार्क्सवाद में सिमिलरिटी को दर्शाते हैं इसलिए हमने कहा कि मार्क्स भी एक समाजवादी था लेकिन कुछ अंतर था मार्क्स का पहला अंतर ये आएगा कैसे पहला अंतर ये आएगा कैसे समाजवादियों ने तो उस समय की समस्याओं का विवरण दिया बताया ये चीज है भैया ये होना चाहिए और समाजवादियों ने आशा भरी निगाह राज्य पर डाली कि हे राज्य तुम ही कर सकते हो पावर में हो तुम समाजवादियों ने कहा कि राज्य हस्तक्षेप करे हस्तक्षेप करके निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करे और उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो उत्पादन के सभी प्रक्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण हो सबको योग्यता के अनुसार राज्य काम दे और सबको काम के अनुसार वेतन दे मार्क्स ने कहा नहीं, नहीं। ने कहा कि भैया सबसे पहले तो यह परिवर्तन ये बदलाव राज्य नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य इज द पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और राज्य तो इन पूंजीपतियों के जेब में होता है और राज्य इन पुंजीपतियों के अगेंस्ट क्यों जाएगा राज्य नहीं जाएगा ये तो पूंजीपतियों का चट्टा बट्टा है ये राज्य के प्रयास से बदलाव नहीं आएगा यह बदलाव स्वयं मजदूरों द्वारा लाया जाएगा और यह बदलाव आसानी से नहीं आएगा क्योंकि पूंजीपतियों की तरफ से राज्य की पुलिस लड़ने आएगी इसमें व्यापक हिंसा होगी यह बदलाव हिंसक क्रांति के द्वारा आएगा सर्वहारा क्रांति के द्वारा आएगा। पालांतर समाजवाद और मार्क्सवाद में परिवर्तन राज्य के हस्तक्षेप से मार्क्स कहता है परिवर्तन सर्वहारा मजदूर वर्ग द्वारा हिंसक क्रांति से राइट फिर दूसरा अंतर है जो नई व्यवस्था आएगी वो कैसी होगी समाजवादियों की नई व्यवस्था समाजवाद और मार्क्स द्वारा जो नई व्यवस्था आएगी अकॉर्डिंग टू मार्क्स साम्यवाद तो आइडियल सोसाइटी के रूप में समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है यहां भी मार्क्स डिफर करता है समाजवाद में अकॉर्डिंग टू समाजवादी समाजवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा राज्य का स्वामित्व होगा मार्क्स कहता है नहीं साम्यवादी क्रांति के बाद उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा पूरे समाज का नियंत्रण होगा समाज का स्वामित्व होगा राज्य तो खत्म हो जाएगा साम्यवाद एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी जबकि समाजवाद स्टेट वाली सोसाइटी होगी समाज का नियंत्रण होगा According टू समाजवादी विचारक समाजवाद में सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा और सबको काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा मार्क्स कहता है नहीं भाई योग्यता के अनुसार काम तो ठीक है जो डीएम लायक है डीएम और जो चपरासी लायक है चपरासी लेकिन डीएम को पचास हजार दोगे और चपरासी को दस हजार दोगे तो फिर से डिस्पैरिटी हो जाएगी और ये डिस्पैरिटी फिर से सोशल को संभव बनाएगी डीएम कहेगा ए चपरासी ले और मेरे से पांच हजार मेरा पैर दबा नो तो साम्यवाद में क्या होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा उसी तरह लेकिन अगर डीएम को जरूरत बीस हजार की है तो उसको बीस हजार सैलरी और अगर चपरासी को जरूरत पचास हजार की है तो उसको पचास हजार सैलरी मतलब हुआ कि योग्यता के अनुसार सबको काम दिया जाएगा और सबका खर्चा आवश्यकता पूर्ति समाज करेगा जिसकी जो जरूरत है पूरा करेगा समाजवाद साम्यवाद मैं दूसरी बार बता रहा हूं थोड़ा और गहराई से मैं गया कल समाजवाद बोला था साम्यवाद भी बोला था थोड़ा आज और थोड़ा आगे और थोड़ा और गहरा तो मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा इन तीन संकल्पनाओं को भी हम एक बार देख लेते हैं बच्चा आपके सामने स्क्रीन पर है साम्यवाद कॉमनिजम ध्यान से देखो समतामूलक समाज समतामूलक समाज का भावी स्वरूप आएगा जहां उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है और जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता है इस साम्यवाद को भावी समाज के रूप में कमिंग सोसाइटी के रूप में मार्क्स ने प्रस्तुत किया जो पूंजीवाद के चरम विकास के बाद आएगा 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 सर्वहारा क्रांति के बाद यह समाज आएगा यह समाज एक आदर्श समाज होगा सो so अगेन आई रिपीट साम्यवाद कॉमनिज्म समता मूलक समाज का भावी स्वरूप जहां उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है और जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता है और अगला शब्द है बच्चा समाजवाद आपके सामने है मार्क्स द्वारा के पूर्व से प्रचलित मार्क्स के पूर्व से प्रचलित मार्क्स के पहले समाजवाद प्रचलित था मार्क्स ने समाजवाद को ज्वाइन किया पूर्व से प्रचलित एक विचारधारा जो पूंजीवादी समाज की आलोचना करते हुए एक ऐसे समतामूलक समाज की कल्पना करता है जो ध्यान से यहां देखो जो राज्य के द्वारा सुधार के माध्यम से हिंसा क्रांति के माध्यम से नहीं लाया जाएगा जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा अगेन आई रिपीट समाजवाद सोशलिज्म मार्क्स के पूर्व से प्रचलित एक विचारधारा जो पूंजीवादी समाज की आलोचना करते हुए एक ऐसे समतामूलक समाज की कल्पना करता है जो राज्य के द्वारा सुधार के माध्यम से लाया जाएगा जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा दिया जाएगा डन और पूंजीवाद लास्ट संकल्पना आपका है बच्चा पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा क्लियर या औद्योगिक अर्थव्यवस्था का रूप एक ऐसी विचारधारा या अर्थव्यवस्था का रूप जहां उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर और आर्थिक क्रियाकलापों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है इन निजी व्यक्तियों द्वारा निजी लाभ हेतु बृहद स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं किए जाते हैं इसी को कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट मोड़ ऑफ प्रोडक्शन की संज्ञा मार्क्स ने दी है दी है दी डन है। ये हो गया आज काल मार्क्स का सेकेंड राउंड आपका जहां पर हम लोगों ने परिभाषिक शब्दावली के माध्यम से मार्क्स के लगभग सभी पक्षों को जानने का प्रयास किया है तो थैंक यू वेरी मच आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ